अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन फ्रॉम नाउ ऑन विल बी मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स बायोग्राफी एंड देन वी विल हैव अ लुक एट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इट्स ओरिजिन दैट इज देयर इन द ग्रीक मिथोलॉजी। एंड देन वी विल डिस्कस द समरी ऑफ और द स्टोरी ऑफ मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले। सो दिस प्ले इट इज रिटन बाय एन अमेरिकन प्ले राइटर एंड हिज नेम इज यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील एंड ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 16, 1888 एंड ही Died on November 27, 1953. He was a famous American playwriter as he is known as one of the pioneers in the field of the drama writing. ठीक है, सो अमेरिकन ड्रामा के अंदर इसने रियलिज्म जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले जो प्लेज लिखे जाते थे अमेरिकन लिटरेचर के अंदर या अमेरिका के अंदर, वो मेलो ड्रामेटिक नेचर के होते थे, लेकिन यूजीनो नील जो है इसने आके रियलिस्टिक जो अप्रोच थी या जो रियलिज्म था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। दैट वाज पायनियर्ड बाय नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन। उसके बाद जी बी शाह ने उसको अडॉप्ट किया और रशिया में बाकी जो लोग थे उन्होंने भी, एंटन शेखव है उसने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, रियलिज्म इस सेंस में भी है कि एक दो उसके किरदार जो हैं वो रियलिस्टिक नेचर के हैं, वो हमें अपने किरदारों की नफ्सियात में झांकने की जो है वो गुंजाइश देता है कि हम उनके जहन के अंदर झांक सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से भी उसके प्लेज जो हैं वो रियलिस्टिक हैं, क्योंकि उसने अमेरिकन वर्नैक्युलर यानी कि जो अमेरिकन लोकल लैंग्वेज थी, जो लोकल उनके डायलेक्ट से जिसको आप कलोकियल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, उसको इसने इस्तेमाल किया अपने प्लेस के अंदर। और ये अपने प्लेस के अंदर स्ट्रगल दिखाता है। ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट फेट, और जो लोग हैं जिस तरह आम लोग होते हैं उनकी कुछ होप्स होती हैं, उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, और वो उन होप्स और उन एस्पिरेशंस को जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उनका टकराव होता है दुनियावी फोर्सेस के साथ एंड अल्टीमेटली उन लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ता है। एंड एज रिजल्ट ऑफ दैट फेलियर दे स्लाइड इन टू द डिसइल्यूजनमेंट एंड डेस्परेशन ऑफ लाइफ, कि वो सॉर्ट ऑफ आप ये कहें कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कॉमेडी सिर्फ एक लिखी है ऑफ विल्डरनेस के नाम से, ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने प्लेज हैं ऑल ऑफ देम दे आर ट्रेजिडीज ऑफ सम सॉर्ट। जो अर्ली लाइफ है इसकी, अगर हम इसको देखें तो इसके वालिद जो थे जेम्स ओनील, ही वॉज एन एक्टर। ठीक है, और वो एक्टर किस तरीके से था कि जैसे हमारे यहाँ मूविंग थिएटर्स होते थे, मेला मंडियाँ लगती थी और वहाँ पर एक पूरा थिएटर जो था मूविंग थिएटर वो लाया जाता था। इसी तरीके से इन एंशियंट अमेरिका देर वर मूविंग थिएटर्स, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे थिएटर्स मूव करते रहते थे, जैसे आज लकी ईरानी सर्कस है जो कि मूव करती रहती है थ्रू आउट द कंट्री। तो इसी तरीके से ये थिएटर्स होते थे जो कि मूव करते रहते थे, और जहाँ पे जाते थे थिएटर और इनके जो एक्टर्स थे जो कि उसके साथ एसोसिएटेड, तो वो वहीं पे होटलों के अंदर रिहाइश अख्तियार किया करते थे। इसके फादर ने जो सबसे मशहूर उसकी एक्टिंग है वो द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो जो नावल है उसके अंदर उसने की। काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो अगेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नावल। इट इज़ स्टोरी ऑफ रिवेंज एंड लव, बड़ा
खूबसूरत किस्म का नावल है, मूवी भी इस पे अवेलेबल है, अगर आप इफ यू विश टू सी तो आप इसको देखें। इट इज़ रिटन बाय फ्रेंच राइटर अलेक्जेंडर डूमस पियर, और इसकी वालिदा जो थी यूजीन ओनील की वालिदा, वो ज़ाहिर है फिर अपने हस्बैंड के साथ साथ उसको अकम्पनी किया करती थी, वेयर एवर ही वेंट वो उसके साथ होती थी, एंड ऑब्वियसली शी वुड लिव इन अ होटल, और शी वुड स्टे इन अ होटल रूम वाइल हर हस्बैंड हैड बीन टू एक्टिंग। अब इस किस्म के जो लोग होते हैं, आप ये कहें कि इनकी फाइनेंशियल को हालत को इतनी स्ट्रांग होती है, तो वो गलत बात है। फाइनेंशली इसका वालिद जो था वो काफ़ी कमज़ोर था। अच्छा, इसकी बर्थ जो हुई वो एक होटल के अंदर हुई, ठीक है। ज़ाहिर है जो उसकी फैमिली रूटीन थी इसके फादर की, जो उसका एक्टिंग कैरियर था, उसी हिसाब से इनको चूंकि होटलों में रहना पड़ता था, तो एक होटल के अंदर यूजीनो नील की पैदाइश हुई, ठीक है। और जो उसने अपना बचपन है ज़्यादातर वो होटलों में, होटल्स के रूम्स में, ट्रेनों का सफ़र करते हुए, या फिर स्टेज कोचेज हुआ करती थी, ठीक है, उनके ऊपर सफ़र करते हुए इसने अपना बचपन गुजारा। अच्छा, यूजीनो नील जो है वो अपने जो उसकी बचपन की सिचुएशन थी, या जो उसकी इन सिक्योरिटीज थी, ज़ाहिर है वालिद के पास टाइम नहीं होता था, ही हैज़ बीन टू दी स्टेज, ही हैज़ बीन टू दी एक्टिंग, वालदा जो है वो होटल रूम में बैठी है, बच्चा जो है वो रूम में नहीं रहता, वो बाहर घूमते फिरते रहते हैं, तो इसका बचपन जो था वो इनसिक्योर किस्म का बचपन था, और इसको अपने बचपन के टाइम पीरियड से नफरत थी कि जो मैंने वक्त गुजारा बचपन का वो अच्छा वक्त नहीं गुजारा, ठीक है। और ये अपने वालिद को ब्लेम करता था फॉर देयर सिचुएशन, के हमारा वालिद जो है उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, रादर एक ऐसा काम अडॉप्ट किया कि जिसमें पैसा भी नहीं है, एंड आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे जिप्सीज की लाइफ होती है। और वालदा से इसको मोहब्बत थी, वालदा के साथ इसकी ज़्यादा अट्रैक्शन थी एज़ कम्पेयर टू हिज फादर, एंड ही ब्लेम्ड हिज फादर के यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग एडिक्शन ऑफ माई मदर, ठीक है। अब आप ये देखें कि थिएटर जो था वो उसके खून में था, बिकॉज हिज फादर वॉज एन एक्टर एंड ही हैड बीन टू थिएटर ऑल ओवर, कि जहाँ जहाँ थिएटर जाता है, अब जाहिर है वो भी शाम को चले जाते हैं बच्चे वैसे ही देखने के लिए कि हाँ जी, तो जो एक्टिंग है, स्टेज जो है, ड्रामा जो है, ये उसके खून में रचा बसा हुआ था, उसने इनहेरिट किया इस चीज को। ऑल्दो हिज फादर वॉज एन एक्टर, ओनील डिडंट ज्वाइन एक्टिंग एज हिज कैरियर, उसने एक्टिंग को अपना कैरियर जो था उसके तौर पे अडॉप्ट नहीं किया, रादर ही अडॉप्टेड राइटिंग, यानी कि थिएटर के साथ मुंसलिक तो रहा लेकिन एज अ राइटर, नॉट एज एन एक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसका प्ले था जो कि परफॉर्म किया गया, इट वॉज इन 1916 एंड इट वॉज इन अ विलेज नोन एज प्रोविंस टाउन, दिस टाउन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मैसेच्यूसेट्स इन अमेरिका, ठीक है। और वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर लॉन्च किया गया नौजवान राइटर्स की जानिब से, नौजवान पेंटर्स की जानिब से, उसके अंदर सबसे पहला प्ले जो था ओनील का, वो उसको परफॉर्म किया गया, और इट्स नेम वाज बाउंड ईस्ट फॉर कार्डिफ, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसका वन एक्ट प्ले था जिसको थिएटर के अंदर परफॉर्मेंस का चांस मिला, ठीक है, एंड इट वाज इन 1916। आफ्टर 1916 ऑब्वियसली देर वर माइनर सक्सेसेस, हाउ एवर जो उसका फुल लेंथ प्ले था, यानी कि जो मुकम्मल प्ले होता है 3 एक्ट्स पे मुश्तमिल, 4 एक्ट्स पे मुश्तमिल जो लेंथ ही प्ले होता है, वो 1920 में जो ब्रॉडवे थिएटर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे पेश किया गया, एंड इट्स नेम वाज बियॉन्ड द हराइजन, ठीक है। तो ये उसका पहला प्ले था जो कि 1920 के अंदर थिएटर
मेजर थिएटर के ऊपर जो था वो परफॉर्म किया गया। अच्छा, इस प्ले ने क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजिक रियलिज्म, और इस प्ले की वजह से ओनील को फोर में से पहला पुलित्ज़र प्राइज जो था वो उसको मिला। ठीक है, अब ये किसी राइटर को कितने प्राइजेस मिलते हैं, उसने कौन से अवार्ड हासिल किए, ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा। अब इसको फोर पुलित्ज़र प्राइजेस मिले हैं। अब वन फॉर बियॉन्ड द हराइजन, सेकंड फॉर एना क्रिस्टी, थर्ड फॉर स्ट्रेंज इंटरलूड एंड फोर्थ फॉर लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसका मशहूर है। दो प्लेज जो हैं वो हमारे यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट है और इसके अलावा मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है। ठीक है, जो ओनील का लिटरी कैरियर है इसको हम तीन पीरियड्स के अंदर तकसीम करते हैं, द अर्ली पीरियड, द मिडल पीरियड, द लेट पीरियड। जो अर्ली पीरियड है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1913 एंड इट एंड्स इन 1920। द मिडल पीरियड इट बिगिंस इन 1920 एंड इट एंड्स इन 1931। द लेट पीरियड इज फ्रॉम 1932 टू 1943। तीनों पीरियड्स के अंदर उसने मुख्तलिफ नेचर के प्लेज लिखे हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले अब हम बात करते हैं अर्ली पीरियड की। जो अर्ली पीरियड है इसके अंदर इसने चूंकि ही वॉज लर्निंग, ही वॉज न्यू टू राइटिंग, सो शुरू में आगाज में उसने वन एक्ट प्लेज जो थे यहाँ से अपनी राइटिंग का एक्सपेरिमेंटेशन का आगाज किया। इन प्लेज का मेजर थीम्स जो हैं उसमें मैरिज है, जाहिर है एक तो उसको मटेरियल अपने वालिद और वालदा की मैरिज से मिला, फैमिली लाइफ है, ही वाज पार्ट ऑफ अ फैमिली, अ मूविंग फैमिली। इसके अलावा समुंदर में ओनील ने खुद चूँ के काफ़ी टाइम गुजारा, तो जो लाइफ एट सी है वो भी इसके थीम्स के अंदर, जो इसके वन एक्ट प्लेज हैं उनके थीम्स में पाया जाता है। तो अब चूंकि उसकी राइटिंग के कैरियर का आगाज था ही वॉज लर्निंग, तो इस वजह से जो उसके अर्ली प्लेज हैं ये मेच्योर नेचर के प्लेस नहीं है। ठीक है, स्टाइल क्रिएटिव है लेकिन सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंतहाई नैरो किस्म के सब्जेक्ट्स हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर जो उसके मेजर प्लेस लिखे गए जो उसके अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे थे, उसमें थर्स्ट है, फॉग है, वार्निंग्स है, बाउंड ईस्ट फॉर कार्डिफ जो कि पहला प्ले परफॉर्म किया गया, एली है, इन द जोन्स है, द रोप, द मून ऑफ द कैरिबीज। ठीक है, मैरिज और फैमिली लाइफ के हवाले से, अ वाइफ फॉर अ लाइफ, सर्विट्यूड, अबॉर्शन, वेब द स्ट्रॉ, ये सारे प्लेस जो थे इनका ताल्लुक मैरिज और फैमिली लाइफ से था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल पीरियड की। ये वो पीरियड है जिसके अंदर यूजीन ओनील ने वो प्लेस लिखे जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपका प्ले मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा भी शामिल है, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट भी शामिल है। इसमें फुल लेंथ प्लेस जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर इसने लिखे। अच्छा, ये जो इसका मिडिल टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड के अंदर हमें यूजीन ओनील की राइटिंग्स के ऊपर इन्फ्लुएंस नज़र आता है जो अर्ली राइटर्स से उनका। ठीक है, जो उसके कंटेम्प्रेरी राइटर्स से और जो अर्ली एंशियंट ग्रीक राइटर्स थे उनका इन्फ्लुएंस भी हमें इसके ऊपर दिखाई देता है। एंशियंट ग्रीक राइटर्स में से एस्काइलस और सोफोक्लीज का इन्फ्लुएंस जो है वो हमें दिखाई देता है, और आप देखेंगे कि जो प्ले है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इट इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम अ मिथ, अ प्ले दैट वाज रिटन बाय एस्काइलस। ठीक है, इसी तरीके से सोफोक्लीज ने भी इस मिथ के ऊपर प्ले लिखा, और फिर ओनील ने इसको जो है वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसी कहानी को एक नए अंदाज में लिखा। इसके अलावा जो उसके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उसमें हेनरिक इब्सन जो था उससे इंस्पिरेशन दिखाई देती है, अगस्टस स्टेंडबर्ग से हमें इसकी इंस्पिरेशन दिखाई देती है, फ्रेडरिक नीचे है, सिगमंड फ्रायड है और कार्ल जंग है। सिगमंड फ्रायड और कार्ल जंग जो है ये
साइकोलॉजिस्ट से मशहूर उस एज के जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा राइटर्स की थॉट्स को शेप किया, ठीक है। तो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में आपको अगेन फ्राइडियन आइडियाज जो हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन के, जो कि ईडिपस रेक्स में हमने जिनकी बात की थी, ठीक है, ईडिपस कम्प्लेक्स के जो आइडियाज़ हैं वो हमें दोबारा यहाँ पे इस प्ले के अंदर मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के अंदर दिखाई देंगे। तो इस प्ले के अंदर एक उसने ग्रीक मिथ उठा के उसको एक साइकोलॉजिकल उसका जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव में उस कहानी को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वो ये कहता है, आई एम ऑलवेज एक्चुअली अवेयर ऑफ द फोर्सेस बिहाइंड फेट गॉड अवर बायोलॉजिकल पास्ट क्रिएटिंग अवर प्रेजेंट वट एवर वन कॉल इट मिस्ट्री सर्टनली, कि जो भी ताकत है जो कि इंसानी किस्मत को शेप करती है उस ताकत के हवाले से और उसका जो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कि इंसान उस फोर्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस प्ले के अंदर एक लाइन है कि डेथ बिकम्स मैनन, मैनन फैमिली का नाम है, उसमें एक की डेथ होती है, दूसरे की डेथ होती है, तीसरे की डेथ है, चौथे की डेथ है। तो अब वो फेट की बात कर रहा है लेकिन वो नफसियाती तौर पे वो जो हमें उसकी अप्रोच है मेंटल अप्रोच वो दिखाई दे रही है कि इसकी मेंटल अप्रोच टुवर्ड द आइडिया ऑफ द फेट जो ये बंदा लाइन अदा कर रहा है उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें साइकोलॉजी जो ह्यूमन साइकी है वो अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ फेट वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, जैसे कि हमने आकाश में पढ़ा था। जो मेजर वर्क्स हैं मिडिल टाइम पीरियड के, उसमें बियॉन्ड द हराइजन, एना क्रिस्टी, द एम्परर जोन्स, द हेरी एप, द गॉड्स चिल्ड्रन गॉट विंग्स, डिजायर अंडर द एल्म्स, स्ट्रेंज इंटरलूड, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एंड डेज विदाउट एंड, ठीक है, ये इसके मेजर वर्क्स हैं। जो इसका लास्ट पीरियड है, जो आखिरी टाइम पीरियड था इसका, उसके अंदर अगेन ही रिटर्न टू रियलिज्म, और रियलिज्म में उसके अपना पैसिमिस्टिक थीम्स हैं कि लोग जो है वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं और स्पिरिचुअल लिहाज से वो ज़्यादा पुअर हैं। और लेटर जो टाइम पीरियड है इसमें द आइस मैन कमेथ है, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट है, हगीज है, अ मून फॉर मिस बिगॉटन, अ टच ऑफ द पोइट, ठीक है, ये वो प्लेज हैं जो कि इसके लेट पीरियड में से ज़्यादा मशहूर हैं। यूजीनो नील की डेथ जो है, इट हैपेंड इन रूम नंबर 401 ऑफ द शेरिटन होटल ऑन द बे स्टेट रोड इन बॉस्टन ऑन नवंबर 27, 1953 एट द एज ऑफ द 65। अब इफ़ यू रिमेंबर कि इसकी पैदाइश जो थी वो भी एक होटल में हुई थी, ठीक है। सो व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, तो जो उसके उसके डाइंग वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ द विस्पर वो ये थे, आई न्यू इट, बॉर्न इन अ होटल रूम एंड गॉड डैम इट डाइड इन अ होटल रूम। सो दैट इज द लाइफ ऑफ द राइटर यूजीनो नील, हुज प्ले मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रीक मिथिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, के मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा जो है इसका इसके पीछे एक यूनानी मिथ है, उस यूनानी मिथ के ऊपर ये पूरा प्ले जो है वो बेस करता है। और वो जो जो मिथ है इसको बयान किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलोजी। आपको पता है ट्रिलोजी जो है वो ऑलरेडी तीन प्लेज का मजमुआ होता है जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं। द नेम ऑफ द प्ले इज ऑरेस्टिया एंड इट इज रिटन बाय एस्काइलस, ठीक है, एस्काइलस के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। और इस प्ले ऑरेस्टिया के अंदर जो कहानी बयान की गई है इट इज स्टार्किंग
स्टोरी ऑफ द मिथोलॉजिकल हाउस ऑफ एट्रियस। अब ये हाउस ऑफ एट्रियस क्या था? दे वर द रूलर्स ऑफ अ स्टेट ऑफ ग्रीस, और ग्रीस की और ट्रॉय जो है उनकी जंगें चलती थी। तो एगामेमनन जो है ही वॉज द किंग ऑफ द स्टेट, ही वॉज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द एट्रियस, और वो लीड करता है अटैक को ट्रॉय के ऊपर, फिर वहाँ से वापस आता है, और उसके बाद जो कहानी है सारी उसको यहाँ से देकर वन बाय वन मतलब के डिस्कस करते हैं। तो इस वॉर का बैकग्राउंड तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप लोग इससे वाकफियत रखते होंगे। तो जिस तरीके से ओरेस्टिया जो है वो तीन प्लेस पे मुश्तमिल है, बिल्कुल इसी तरीके से मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है उसके भी तीन हिस्से हैं, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ओरेस्टिया में पहला प्ले है एगामेमनन, उसके बाद है द लाइबेशन बीरर्स, और थर्ड है द यूमेंडीज। अच्छा, ग्रीक प्ले जो ओरेस्टिया है उसके अंदर जब प्ले का आगाज होता है तो एगामेमनन जो है वो हमें वापस आता हुआ दिखाई देता है फ्रॉम द ट्रोजन वॉर, और ये वो वॉर है जो कि दैट वाज फॉट बिटवीन द पीपल ऑफ ग्रीस एंड द पीपल ऑफ ट्रॉय, एंड इट टुक प्लेस समवेयर बिटवीन 12th एंड 13th सेंचुरी BCE, ठीक है। अब इसका जो रिटर्न है एगामेमनन का वो हमें पैरेलल दिखाई देता है एज़रा मेनन के रिटर्न के साथ, जो कि अमेरिकन सिविल वॉर से रिटर्न करता है, वापस आता है अपने घर के अंदर। अच्छा, अब एगामेमनन की एब्सेंस में जो उसकी वाइफ है क्लिटीमेंस्ट्रा, वो खातून जो है ही हैज़ फॉर्म्ड अ लव अफेयर विद अगस्टस, और अगस्टस और क्लिटीमिस्ट्रा जो हैं ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि एगामेमनन का मर्डर करें, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस तरीके से क्रिस्टीन मेनन जो है वो एडम ब्रांड के साथ मिलके अपने हस्बैंड एज़रा मेनन का मर्डर प्लान करती है इस प्ले के अंदर मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा के अंदर। एस्काइलस का जो प्ले है उसका इख्तिताम होता है कि क्लिटीमेंस्ट्रा और जो उसका लवर है वो आर्गस पे रूल कर रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एंडिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है वो एंडिंग डिफरेंट है। जो ट्रिलोजी है ओरेस्टिया की उसका सेकंड प्ले जो है इट्स नेम इज द लाइबेशन बीरर्स एंड इट इज अबाउट एगामेमनन्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में उसकी बेटी है इलेक्ट्रा और उसका बेटा है ओरेस्टीज, ठीक है। अब मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है टाइटल उसका इसी इलेक्ट्रा के नाम से आया है, ठीक है। सो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के अंदर बेटी का नाम लिविनिया है, लेकिन इलेक्ट्रा चूंकि उसकी पैरेलल है इन द ग्रीक प्ले तो इस वजह से प्ले को इलेक्ट्रा का टाइटल दिया गया है, ठीक है। अब दोनों बच्चों को पता है कि उनके फादर की डेथ के रिस्पॉन्सिबल उनकी माँ और उसका लवर है, ठीक है। तो वो अपने फादर के गोस्ट की हेल्प से रिवेंज सीक करते हैं अपने फादर की डेथ का, ठीक है। और ओरेस्टियस जो है वो मार देता है अगस्तस को जो कि उसकी वालदा का लवर है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ओरिन मेनन जो है वो एडम ब्रांड को मर्डर करता है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के अंदर। अच्छा, जैसे बिल्कुल के जो ओरिन है वो अपनी वालदा के लवर को मारना या अपनी वालदा को मारना नहीं चाहता, बिल्कुल इसी तरीके से जो ग्रीक प्ले है उसमें ओरेस्टीज जो है वो भी अपनी वालदा को पनिश नहीं करना चाहता, लेकिन गॉड अपोलो जो है उसे फोर्स करता है कि यू हैव टू डू इट। थर्ड प्ले जो है ग्रीक मिथोलॉजी का उसका टाइटल है यूमेंडीज, और यूमेंडीज के अंदर ओरेस्टिस जो है वो उसको
खड़ा किया जाता है कोर्ट के अंदर कि हाँ भी तुमने मतलब कि मर्डर किया है अपनी वालदा का और उसके लवर का, तो लिहाजा अब आओ तुम्हारा ट्रायल होगा। ट्रायल के अंदर फ्यूरीज जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि भाई इसने ये किया है ये किया, लेकिन इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ द गॉडेस एथीना प्रेस्टीज की जान जो है वो बच जाती। फ्यूरीज जो है दे अटेम्प्ट टू रैक रिवेंज अपॉन द इंटायर सिटी, लेकिन अगेन विद द इंटरवेंशन ऑफ द गॉडेस एथीना पीस जो है उसको एस्टेब्लिश कर लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो ओनील का प्ले है उसका जो थर्ड प्ले है उसका टाइटल है द हॉन्टेड के अंदर ओरेन मैनन जो है बिकॉज ही फील्स हिमसेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज मदर सो ही इज अनएबल टू फॉरगिव हिमसेल्फ एंड अल्टीमेटली ही कमिट्स सुसाइड के वो अपने आप को मार लेता है। लेवीनिया जो है वो कोशिश करती है अपने भाई की हेल्प करने की, लेकिन वो उसको खुदकुशी करने से रोकने में नाकाम साबित होती है। व्हेन शी फेल्स सो उसके भाई की भी डेथ हो जाती है। सो एट द एंड शी लॉक्स हरसेल्फ इनटू द हाउस, वो ये कहती है कि इस घर को हर जानिब से कील लगा के बंद कर दो, आई विल स्टे विद द डेड मैनन्स इन दिस हाउस नाउ फॉर एवर, के हमेशा के लिए अब मैं इसी घर के अंदर रहूंगी। सो ये इस तरीके से पैरेलल हमें दिखाई देते हैं इन द ग्रीक प्ले ओरेस्टिया और जो हमारा प्ले है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ठीक है, जिसको यूजीन ओनील ने लिखा। सो इस तरीके से इनकी कहानी जो है ये एक दूसरे उसकी इंस्पिरेशन है और ये ऑलमोस्ट जो है वो पैरेलल चलती है। हाउ एवर देर आर स्लाइट चेंजेस के जो इख्तिताम है जो एंड है इट इज़ नॉट द सेम, द एंड इज डिफरेंट। अब हम बात करते हैं मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ अ ट्रिलोजी यानी कि तीन प्लेज का मजमूआ है। कलेक्टिव नेम उसका मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है। जो तीन प्लेज हैं इसमें से सबसे पहला प्ले जो है इट इज़ नेम्ड एज होम कमिंग, एंड होम कमिंग जो उसके फोर एक्ट्स हैं। द सेकेंड पार्ट इज द हंटेड, हंटेड जो है उसके फाइव एक्ट्स हैं। द थर्ड पार्ट इज द हॉन्टेड और हॉन्टेड जो है इसके फोर एक्ट्स हैं। एंड यू नो नाउ दैट इट इज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ। किरदार जो हैं जहाँ तक इसके कैरेक्टर्स का ताल्लुक है तो टू कम्युनिटीज हमें इसके अंदर दिखाई देती हैं। वन कम्युनिटी बिलोंग्स टू द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी और जो दूसरी कम्युनिटी है इट बिलोंग्स टू द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। मैनन फैमिली है फर्स्ट ऑफ ऑल, एजरा मैनन ही इज द ब्रिगेडियर इन द अमेरिकन आर्मी। इसके बाद क्रिस्टीन मैनन है, क्रिस्टीन मैनन जो है शी इज वाइफ ऑफ एजरा मैनन। देन वी हैव लवीनिया मैनन, लवीनिया मैनन इज द डॉटर ऑफ एजरा एंड क्रिस्टीन। देन वी हैव ऑरिन मैनन, ऑरिन मैनन जो है ये उनका बेटा है। ये फोर मेजर करेक्टर्स हैं। पांचवा मेजर करेक्टर जो है वो है कैप्टन एडम ब्रैंड। एडम ब्रैंड जो है ही इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ वन ऑफ दी मैनन। ये एजरा मैनन का भाई था जिसकी डेथ हो चुकी है, ही नो लॉन्गर लिव्स। ये उसका इलिजिटिमेट बेटा, ठीक है, एंड ही इज बेंट अपॉन टेकिंग रिवेंज फ्रॉम दी मैनन फैमिली कि तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया, और उसी रिवेंज के चक्कर में ये मैनन फैमिली को डिस्ट्रक्शन के वर्ज पे लेके जाता है, बल्कि उनकी डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, ठीक है। इसके बाद हमसाए हैं मैनन्स के हमसाए हैं हेजल नाइल्स एंड पीटर नाइल्स। हेजल नाइल जो है शी लव्स ओरिन मैनन, पीटर नाइल्स जो है ही लव्स लिवीनिया, ठीक है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो भी बहन भाई हैं, ये भी बहन भाई हैं। देन वी हैव सेथ। सेथ जो है ही इज अ गार्डनर, एन ओल्ड मैन
इज द गार्डनर इन द मैनन हाउस। अब ये सारे लोअर क्लास के करेक्टर्स जो हैं वो आगे अब आपको दिखाई देंगे। वी हैव लुइस एम्स, एमोस एम्स, मिनी जोसिया बॉर्डन है, एमा बॉर्डन है, एवरेट हिल्स है, मिसेस हिल्स है और डॉक्टर जोसेफ ब्लेक है। ये जो छोटे करेक्टर्स हैं, जो माइनर करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स को जो यूजीनो नील है उसने इस्तेमाल किया है अपने प्ले के अंदर फॉर द सेक ऑफ द कॉमेंट्री। अब यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो ग्रीक प्लेज होते थे उनके अंदर कोरस हुआ करता था जो कि कमेंट्री करता था इवेंट्स के ऊपर, जो कि किसी प्ले का बैकग्राउंड भी हमें दिया करता था। अब यहाँ पे यूजीनो नील जो है उसने जो के कोरस को इस्तेमाल नहीं किया, तो कोरस का जो फंक्शन था कि कमेंट्स अपने पास करना, मुख्तलिफ मतलब कि छोटे छोटे गैप्स जो होते हैं उनको फिल करना, तो वो जो गैप्स हैं दे आर फिल्ड बाय दीज माइनर करेक्टर्स। सो यू कैन से दैट ऑल दीज माइनर करेक्टर्स, द इंट्रोडक्शन या पर्पस ऑफ दीज माइनर करेक्टर्स इज टू रिप्लेस द रोल ऑफ द कॉरस, यानी कि उस किरदार को रिप्लेस करने के लिए यूजीन ओनील ने इन करेक्टर्स को यूज किया है। सो लेट अस नाउ मूव टूवर्ड द मेन प्ले, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। बिफोर वी स्टार्ट्स लुकिंग एट द स्टोरी ऑफ द प्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव लुक एट द सेटिंग ऑफ द प्ले। प्ले जो है वो सेट कहाँ किया गया। सेटिंग आपको पता है कि वो टाइम और वो जगह के जहाँ पे पूरा एक जो है वो प्ले उसके वाकयात जो है वो पेश आते हैं। सो द प्ले मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, इट टेक्स प्लेस इन न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड एक टाउन का नाम है विच इज़ लोकेटेड इन अमेरिका। द टाइम फ्रेम इन विच दिस प्ले टेक्स प्लेस इज 1865। ओके नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट फ्रॉम 1861 टू 1865 सिविल वॉर वॉज फॉट इन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुई थी। ऑब्वियसली पीपल जो थे दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश रूल और उसके नतीजे में फिर अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस है वो हुई। ठीक है, सेटिंग जो है यानी कि जगह जो है इट इज़ द मैनन हाउस। ठीक है, मैनन फैमिली है, फैमिली नेम है उनका मैनन। एजरा मैनन जो है वो मौजूदा फैमिली का सरबराह है, उसका घर है। ठीक है, और जो हाउस है इट इज एन आउटलुक ऑफ अ ग्रीक टेम्पल, कि बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई कदीम यूनान के अंदर टेम्पल्स हुआ करते थे, इस किस्म का वो हाउस की जो है वो लोकेशन है। फ्रंट जो है वो थोड़ा खूबसूरत है लेकिन अंदर से हाउस जो है इट इज सॉर्ट ऑफ अगली। ठीक है, फ्रंट पे वाइट कॉलम्स हैं जो कि हाउस की खूबसूरती, उसके फ्रंट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक ब्लैक पाइन ट्री है और वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे एक जो है वो अपना कॉलम है, लेकिन ऑब्वियसली इसका रंग जो है वो ब्लैक है एज कम्पेयर टू द कॉलम्स के जिनका रंग वाइट है। ठीक है, हाउस के अगर आप अंदर जाएं तो अंदर से द हाउस इट लुक्स अगली, ग्रे, कलरलेस सॉर्ट ऑफ इनका घर है। तो ये वो सेटिंग है जिसके अंदर ये पूरा प्ले जो है वो आपको एक्ट होता है। ज़्यादातर सीन्स इसी सेटिंग के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो जो एक लुक है कि ऊपर से अच्छा है लेकिन अंदर से अगली है, ये एक हमें पैसिमिस्टिक किस्म की लुक जो है वो आगाज में ही फराहम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है आपको पता है कि तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है। जो सबसे पहला पार्ट है इसका वो होम कमिंग है। होम कमिंग जो है वो एजरा मैनन की होम कमिंग है क्योंकि उसका आना जो है उसको एंटिसिपेट किया गया, दैट ही इज अराइविंग होम
ही इज गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम द सिविल वॉर, ठीक है। प्ले का जब आगाज होता है तो टाइम जो है इट इज लेट आफ्टरनून, हाउस जो है उसकी लुक ऐसे है कि जैसे ग्रीक टेम्पल है, ठीक है। अ बैंड ऑफ म्यूजिक इज हर्ड, और जो बैंड है इसका नाम है जॉन ब्राउन्स बॉडी, ठीक है। ये मतलब कि बैंड का नाम है जो कि म्यूजिक बजा रहा है। पूरा सॉन्ग है प्ले के अंदर, वो भी आगाज में आता है। इतने में सेथ जो कि उनका गार्डनर है, ही एंटर्स इनटू द सीन, कि वो घर के अंदर दाखिल होता है। एंड ही इज सिंगिंग एन अमेरिकन फोक सॉन्ग नोन एज शेनन्डोआ, ठीक है। ये अमेरिकन फोक सॉन्ग है जो कि नेटिव से उनका उनका सॉन्ग था, और लोग उसको वैसे ही गाते रहते थे जैसे हमारे यहाँ होते हैं। मीनवाइल माइनर अपना करेक्टर जो है, जिसमें अमोस एम्स, लुइसा, मिनी, उनको विजिट करना पड़ता है मैनन हाउस, ठीक है। अब ये जो माइनर करेक्टर्स हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका फंक्शन जो है, दे आर मेंट टू फंक्शन एज द ग्रीक अपना कॉरस, जो कि इस प्ले के अंदर मौजूद नहीं है। जो इनका काम है वो ये है मेन, के वो जो प्ले के एक्शंस हैं उसके ऊपर अपनी कमेंट्री करते हैं, और जो गैप्स हैं उनको वो फिल करते हैं। तीनों चारों लोग जो हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनकी गुफ्तगू का मौजू जो है वो एजरा मैनन की वाइफ है, जिसका नाम क्रिस्टीन मैनन है, ठीक है। एंड इट इज इन दी एयर कि ये बात फैल चुकी है दैट शी हैज बीन हैविंग एन अफेयर, कि उसका एक लव अफेयर चल रहा है एक शिप कैप्टन के साथ, जिसका नाम एडम ब्रांड, ठीक है। अब जाहिर है आपको पता है कि जब कोई इस किस्म की बात होती है तो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड वंस इट हैपेंस दैट अ मैरिड वुमन शी इज हैविंग अफेयर, तो लोग जो हैं वो गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। इतने में सेथ जो है वो न्यूज़ देता है कि एजरा मैनन, यानी कि जो मास्टर ऑफ द हाउस है, ही इज अबाउट टू रिटर्न, कि उसकी वापसी जो है वो होने वाली है। सेथ जो के गार्डनर है वो लविनिया को बताता है कि योर फादर इज कमिंग बैक, और वो लविनिया से सवाल करता है कि वेयर हैव यू बीन, कि तुम कहाँ थी। और लविनिया जो है वो झूठ बोलती है शुरू में, लेकिन बाद में वो उसे बताती है कि दैट आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क, कि मैं न्यूयॉर्क गई थी। सेथ उसे कहता है कि आई वॉन्ट टू वॉर्न यू अबाउट समथिंग, और जो मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, दिस वार्निंग इज रिलेटेड टू कैप्टन एडम ब्रांट। अब अपेरेंटली जो सिचुएशन चल रही है प्ले के अंदर, वो अपेरेंट सिचुएशन ये है कि एडम ब्रांट जो है ही हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद लिवीनिया। अपेरेंटली दिखाई ये देता है कि वो लिवीनिया का लवर है, वो लिवीनिया से शादी करना चाहता है, लेकिन इन रियलिटी इनसाइड ही इज अ लवर ऑफ लिवीनिया मदर, यानी कि वो क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड है। क्रिस्टीन जो है वो उसे मोहब्बत करती है, और इवन उससे मिलने के लिए वो बॉस्टन भी जाती है, ठीक है। और लिवीनिया जो एब्सेंट थी व्हेन शी वाज नॉट हेयर, एक्चुअली वो अपनी माँ की जासूसी करने उसके पीछे की थी। एंड शी ऑलरेडी नोज, उसको इस चीज़ का इल्म है कि उसकी जो वालदा है शी हैज़ बीन हैविंग एन अफेयर विद कैप्टन एडम ब्रांट। सेथ ने भी अब यही बात करनी है लिविनिया से, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात का आगाज करे तो वहां पे एंट्री होती है पीटर नाइल्स की और हेजल नाइल्स की। पीटर नाइल्स एंड हेजल नाइल्स जो हैं ये लिविनिया के और ओरिन, यानी कि बहन भाइयों के बचपन के दोस्त हैं, हमसाए हैं, और इनका आपस में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो लिविनिया सेथ को कहती है कि आई विल टॉक टू यू लेटर, कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
बाद में गुफ्तगू करूंगी, पूरा जो तुमने मुझे बात बतानी है वो तुम मुझे आराम से बताना। अब अगेन लिविनिया से क्वेश्चन होता है पीटर और हेजल की जानिब से, दैट वेयर हैव यू बीन, वी हैवंट सीन यू अराउंड। सो अगेन लिविनिया लाइज के ऊपर उसने ये बताया है कि भाई आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क, अब वो दोबारा झूठ बोल रही है। एंड नाउ शी सेज दैट बिकॉज आई हैड अ कोल्ड, के क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, तो दैट इज वाई यू हैवेंट सीन मी अराउंड। मतलब कि झूठ बोलना जो है वो लिविनिया झूठ बोलने से कतराती नहीं है, धोखा देना, झूठ बोलना ये उसके लिए एक मामूल की बात है, एक रूटीन की बात है। पीटर नाइल्स जो कि हु इज इन लव विद लिविनिया, ठीक है, वो उसे सवाल करता है कि डू यू थिंक दैट योर ब्रदर ओरेन ही लव्स माई सिस्टर हेजल और नॉट। तो लिविनिया उसे कहती है कि आई डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट लव, बिकॉज लिविनिया जो है उसका लव से एतबार उठ चुका है। एतबार इस सेंस में उठ चुका है कि कैप्टन एडम ब्रांट जो है उसने लेवेनिया को मोहब्बत के ख्वाब दिखाए, एंड नाउ ही इज हैविंग एन अफेयर विद हर मदर इंस्टेड ऑफ लविंग हर। तो उसका मोहब्बत से एतबार उठ चुका है। सो शी सेज दैट शी हेट्स लव, के मुझे मोहब्बत के लफ्ज से भी नफरत है। पीटर उसे बताता है कि मैंने तुमसे शादी करने का, तुमको प्रपोज करने का इरादा कर रखा है इस वजह से क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि जैसे जंग का इख्तिताम होगा तो हम शादी करेंगे आपस में। तो लविनिया उससे कहती है दैट बिकॉज आई हेट लव सो आई हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मैरिंग, कि मैं अब शादी जो है वो नहीं करूंगी। एंड शी फर्दर सेज दैट शी हैज़ टू स्टे विद हर फादर, शी हैज़ टू स्टे विद हर फादर बिकॉज ही नीड्स हर। अब ये जो लाइन है इस पर आपने फोकस करना है, शी नोज कि उसकी वालदा जो है उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, शी नोज कि जब उसका उसका फादर आएगा तो ऑब्वियसली उसकी मदर जो है वो उसको उसका ख्याल नहीं रखेगी, वो उसे मतलब कि दूर दूर रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू हर नाउ शी इज नॉट गोइंग टू गेट मैरिड बिकॉज शी हैज़ टू स्टे विद हर फादर एंड हर फादर नीड्स हर, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे जुमले हैं, सारे हम टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे, हम समरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ईडिपस कम्प्लेक्स का या अलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का जो थीम है वो किस तरीके से कहानी के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डिवेल्प किया जा रहा है। यहाँ से हमें अपना पहला हिंट दिखाई देता है कि लेविनिया जो है शी इज एक्चुअली इन लव विद हर ओन फादर। अच्छा, मीन वाइल जो लिविनिया की मदर है क्रिस्टीन, शी हैज़ बीन टू न्यूयॉर्क, और वो न्यूयॉर्क जो है वो एडम ब्रांड को मिलने गई थी। प्रीटेक्स्ट यानी के बहाना उसने ये लगाया था कि आई एम गोइंग टू विजिट लिविनियाज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का नाम भी मैनन है, ऑब्वियसली फैमिली नेम है उनका मैनन, कि मैं ग्रैंडफादर मैनन से मिलने जा रही हूँ। हाउ एवर इन रियलिटी शी हैज नॉट सीन द ग्रैंड फादर मैनन, रादर शी हैज स्पेंट हर टाइम विद कैप्टन एडम ब्रांट। एंड लेविनिया चूंकि उसके पीछे गई थी, उसकी जासूसी करने गई थी, सो शी इज अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, उसको पूरा इल्म है कि उसकी वालदा ने न्यूयॉर्क के अंदर अपना वक्त जो है वो कैसे गुजारा है। इतने में एक क्रिस्टीन यानी कि लिविनिया की मदर जो है वो भी सीन पर आती है, और वालदा की और बेटी की आपस में बहस शुरू हो जाती है कि लिविनिया जो है वो अपनी माँ को अवॉइड क्यों कर रही है, ठीक है, उसको अवॉइड करने की रीजंस क्या हैं। अब अवॉइड करने की उसकी जो प्राइमरी रीजन है वो ये है कि क्रिस्टीन हैज बिट्रेड हर फादर, लिविनिया जो है उसको अपने वाले से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और ये मोहब्बत थोड़ी डिफरेंट नेचर की है जिसको आप इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे बाद में, ठीक है। वो नहीं चाहती कि उसकी वालदा उसके वालिद को धोखा दे, लेकिन शी हैज़
डन इट, दैट इज वाई शी हैज बीन अवॉइडिंग। दूसरी रीजन ये है कि एडम ब्रांड जो है उससे लिविनिया को मोहब्बत है, लिविनिया खुद उसे शादी करना चाहती थी, हाउ एवर थिंग्स हैव टर्न अदरवाइज। फिर उनकी डिस्कशन का मौजू है वो हाउस और हाउस की अगलीनेस, कि ये घर कितना अगली दिखाई देता है, उसकी जानेब हो जाती है। क्रिस्टीन जो है वो इस घर को टोम यानी कि मकबरा डिक्लेयर करती है। इसके अलावा क्रिस्टीन ये भी मेंशन करती है कि कैप्टन एडम ब्रांड विल बी विजिटिंग टू सी लेविनिया। अब हालांकि वो इन रियलिटी लेविनिया को देखने नहीं आ रहा, लेविनिया से मिलने नहीं आ रहा, रादर वो क्रिस्टीन से मिलने आ रहा है, लेकिन चूंकि एक आपने बहाना बनाना है उसके विजिट को लेजिटिमाइज करना है, तो लेजिटिमाइज करने के लिए क्रिस्टीन जो है वो लेविनिया का सहारा लेती है कि वो तुम्हारा लवर है, वो तुमसे मिलने आ रहा है। और लेविनिया उससे सवाल करती है कि जो तुमने फूल इकट्ठे किए हैं ये तुमने इसीलिए इकट्ठे किए हैं कि एडम ब्रांड आ रहा है। अब वो बेसिकली हिंट दे रही है उसको वहां पे कि आई नो इट, और वो उसे ये भी वार्न करती है कि फादर यानी कि एजरा मेनन ही विल बी होम सून, वो बहुत जल्दी घर आ जाएगा, एंड यू शुड स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और वो फिर वालदा से ये भी कहती है कि वी नीड टू टॉक, कि हमें आपस में गुफ्तगू करनी है, किसी मौजू पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन वो गुफ्तगू का मौजू जो है वो अपनी वालदा को नहीं बताती। ऑब्वियसली मौजू जो है वो एडम ब्रांड से ही कंसर्न्ड है। अब इस मौके पे सेथ की मुलाकात होती है लिविनिया से। सेथ जो है ये उनका गार्डनर है, मैमन मैनन हाउस का मतलब के गार्डनर है, एंड ही हैज बीन सर्विंग द मैनन हाउस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सेथ जो है वो लिविनिया को ये इंफॉर्मेशन देता है कि देयर वाज अ टाइम बिफोर यू व्हेन एज़रा मैनन हैड अ ब्रदर, कि उसका भाई था, उसका नाम था डेविड मैनन। डेविड मैनन जो था ही फेल इन लव विद अ कैनेडियन नर्स, और जब उसको मोहब्बत हुई उस कैनेडियन नर्स से, तो उसके नतीजे में फैमिली ने चूंकि डिसअप्रूव किया, जाहिर है कि अपर क्लास के लोग जो थे वो लोअर क्लास के अंदर उस टाइम पीरियड में शादी करते थे, तो उनको अहमक बेवकूफ़ समझा जाता था। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। सो फैमिली ने डिसअप्रूव किया। सो व्हाट हैपेंड इज के बिकॉज द वुमन वाज प्रेग्नेंट, सो डेविड मैनन हैड टू रन अवे विद दैट कैनेडियन नर्स। सेथ का ये मानना है कि जो कैप्टन एडम ब्रांट है ही इज द सन ऑफ दैट यूनियन, ही इज द सन ऑफ डेविड मैनन एंड दैट नर्स, और वो जो नर्स थी उसका नाम था मेरी ब्रांटो, ठीक है। अब वो ये कहता है कि चूंकि इस बंदे का नाम आखिरी नाम जो है उसी नाम से मिलता जुलता है, तो लिहाजा वो ये कहता है कि मुझे यकीन है कि ये उसी औरत का बेटा है। और वो ये भी इन्फॉर्म करता है लिविनिया को कि ये यकीनन अपने वालदा और अपने वालिद के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला लेने आया है तुम लोगों से, ये यानी कि तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे खानदान को तबाह करना चाहता है ये शख्स कैप्टन एडम ब्रांट। इतने में एडम ब्रांट जो है वो खुद भी दाखिल हो जाता है घर के अंदर, मैनन हाउस के अंदर, और उसकी मुलाकात लिविनिया से होती है। अब लिविनिया के पास जाहिर है इंफॉर्मेशन है, शी नोज दैट एडम जो है वो उसकी वालदा से मुलाकात कर रहा है, उसके साथ भी उसका अफेयर चल रहा है, सो शी अवॉइड्स। और सेथ ने यह भी कहा था कि तुम इसे इंफॉर्मेशन निकलवाओ किसकी वालदा कौन है, तो वो लिविनिया उसको पहले अवॉइड करती है। एडम उसे कहता है कि वाई आर यू अवॉइडिंग मी, तो वो रियलिटी निकलवाने के लिए उसे कहती है कि यू आर अ लो बॉर्न, कि तुम्हारी पैदाइश जो है वो एक
मतलब घटिया खानदान में हुई थी और मैं आला तबके से ताल्लुक रखती हूँ। सो इस वजह से तुम्हारा और मेरा आपस में कोई मुकाबला नहीं। अब वहां पे एडम ब्रांड को गुस्सा आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी वालदा की इंसल्ट हो रही है। सो वहां पे वो ये कहता है कि यस, वहां पे वो इकरार करता है कि आई एम ऑल्सो अ मैनन, और जो मेरा वालिद था डेविड मैनन, वो मेरी वालदा से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी वालदा से तुम्हारा ग्रैंडफादर भी मोहब्बत करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, मेरी वालदा ने इनकार किया, और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज़ कि जो एब मैनन यानी कि तुम्हारा दादा है, उसने मेरे वालिद को अपने बिजनेस से भी निकाल दिया और अपने घर से भी निकाल दिया। सो व्हेन ऑल दिस हैपेंड, सो एज अ रिजल्ट डेविड मैनन जो है ही बिकेम ड्रंक यानी कि शराब पीना शुरू कर दी, वायलेंट हो गया, मारना पीटना शुरू कर दिया वालदा को, एंड इवेंचुअली उसने अपने आप को मार लिया यानी कि खुदकुशी कर ली। और उसके बाद उसकी वालदा की कंडीशन भी ज़रा है डिटेरियोरेट कर गई, क्योंकि बच्चा भी पैदा हो गया, उसका भी ख्याल रखना है, और उस एज में आपको पता है कि ख़वातीन के पास कोई अच्छी जॉब्स या अच्छी सैलरीज नहीं हुआ करती थी। सो उसकी वालदा की जो कंडीशन थी, जो उसको तकलीफ़ उठानी पड़ी, उसका वो रिस्पॉन्सिबल समझता है इसको, मैनन फैमिली को और एब मैनन को और एज़रा मैनन को। अच्छा, इसके बाद ब्रांट उसे ये बताता है कि दैट आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेम्ड फॉर द कंडीशन ऑफ माय फैमिली, कि चूंकि मैं पैदा हो गया, मेरे अखराजात थे, मेरी ज़रूरियात थी। तो वो ये कहती है वालदा ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप ने खुदकुशी की है, और वो ये एक कहता है कि ये अजाब उस वक्त तक ख़त्म नहीं हुआ जब तक कि मैंने अपना घर छोड़ा नहीं और छोड़ के मैंने शिप पे नौकरी इख्तियार नहीं की। और वो ये कहता है कि जब मैंने नौकरी इख्तियार की तो आई स्टार्टेड सेंडिंग मनी होम टू माई मदर, बट इट वॉजेंट इनफ, कि ये पैसे उसकी रखवाली, उसकी सेहत, उसकी मेडिसिन, उसके एक्सपेंडिचर्स के लिए ना काफ़ी थे। तो वो ये कहता है कि वालदा की अल्टीमेटली मतलब कि डेथ हो गई। अब वो ये कहता है कि मेरी वालदा के डेथ के रिस्पॉन्सिबल तुम्हारा वालिद है। ही न्यू एवरी थिंग, कि उसको इल्म था कि डेविड ने मेरी माँ से शादी की, वो वहाँ पे है, वो लोकेशन भी जानता था, सब कुछ जानता था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे वालिद यानी कि एज़रा मैनन ने हमारी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की। तो अकॉर्डिंग टू हिम योर फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माई फादर एंड माई मदर, कि अगर वो जिम्मेदारी लेता, अगर वो फाइनेंशियली हमें हेल्प आउट करता, तो मेरी वालदा की जान जो है उसको बचाया जा सकता था। नाउ हियर, अब यहाँ से ये बात वाज़े है कि जो एडम ब्रांट है उसका इस खानदान में आना, लिविनिया को मतलब के कोर्ट करना, फिर लिविनिया की माँ क्रिस्टीन के साथ मीन वाइल अफेयर बना लेना, ही इज बेंट ऑन टेकिंग रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हिज फादर एज वेल एज द डेथ ऑफ हिज मदर। लेकिन वो यहाँ पे जिक्र मदर का करता है, फादर का जिक्र नहीं करता। अगेन उसकी रीजन जो है वो इडिपस कम्प्लेक्स जो है, चूंकि ये साइकोलॉजिकल नेचर का प्ले है, तो इडिपस कम्प्लेक्स के थीम को डेवलप करना है, तो लिहाजा वो यहाँ पे अपने फादर की मतलब के डेथ और उसके रिवेंज की बात नहीं करता, रादर ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज मदर। ये सब कुछ सुनने के बाद लिविनिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं बताओ। ब्रांट उसे बताता है कि मैंने बदला लेने का फैसला किया हुआ है, मैं तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगा। लिविनिया उसे कहती है कि ये जो तुमने तरीका कार ढूंढा है बदला लेने का मेरे वालिद से, ये सबसे गलीज तरीन और सबसे बुजदिलाना किस्म का तरीका कार है जो तुमने ढूंढा है, और ये बिल्कुल तरीका कार तुम्हारे अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि तुम एक गुलाम के, एक मुलाजमा के बेटे हो, तुमसे यही तवक्को की जा सकती है। तो एडम वहां पर उसे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो उसे कहती है कि तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग हर। अब हर से मुराद क्या है? यू आर यूजिंग क्रिस्टीन। लेकिन एडम यहाँ पे इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि लिविनिया जो है शी नोज इट ऑल, शी हैज सीन इट विद हर ओन आईज, तो शी रिफ्यूज टू हेयर एनी एक्सप्लेनेशन। फर्दर मोर शी ऑल्सो सेज दैट आई विल बी राइटिंग अ लेटर टू माई फादर एंड आई विल इन्फॉर्म हिम अबाउट ऑल दिस व्हाट इज गोइंग ऑन।
तो एडम उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिविनिया उसको अकेला छोड़ के तो वो चली जाती है। यहाँ पे जो होम कमिंग का फर्स्ट एक्ट है उसका इख्तिताम होता है। एक्ट नंबर टू जो है उसका आगाज फौरन ही उसी सीन के बाद होता है, वही टाइम है, और हमें एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट जो है वो एज़रा मेनन का दिखाई देता है, जो कि 10 साल मतलब के पहले बनाया गया था। और इस अगर मतलब के पोर्ट्रेट को देखा जाए और एडम ब्रांड को देखा जाए तो इनकी शक्लें आपस में मिलती हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक है, सेम ज़ाहिर है मैनन फैमिली है, उसी से उसका भी ताल्लुक है, इसी से इसका भी ताल्लुक है। मीनवाइल क्रिस्टीन मैनन एंड लिविनिया मैनन वो स्टडी में हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, वो जो बातें करनी थी वो बातें हो रही हैं। लिविनिया अपनी मदर को इन्फॉर्म करती है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया था न्यूयॉर्क, और मैंने तुम्हें देखा है कि यू हैव बीन हैविंग एन अफेयर विद एडम ब्रांट, और मैंने तुम दोनों को मतलब के किस करते हुए रोमांटिक मूड में देखा है, और मुझे इस चीज़ का भी इल्म है कि तुम इससे पहले भी उसे मिलती रही हो। वहाँ पे वो अपनी वालदा पे इल्ज़ाम लगाती है ऑफ बीइंग शेमलेस एंड बीइंग ईवल, कि तुम एक इंतहाई बेशरम किस्म की खातून हो, यू आर एन ईवल एंड यू हैव बिट्रेड माई फादर, कि तुमने मेरे वालिद को जो है वो धोखा दिया है। फाइनली अब ये जब सारी चीज़ें सामने आती हैं तो उसकी वालदा एडमिट करती है उसके सामने, यस दैट आई एम इन लव विद एडम ब्रांट, और वो उसे ये भी बताती है कि आई हेट योर फादर, कि मुझे तुम्हारे वालिद से नफरत है। और वो ये कहती है कि तुम्हारी पैदाइश जो है ये उस वक्त हुई कि जब मेरे दिल में तुम्हारे बाप के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। सो वहां पे क्रिस्टीन लिविनिया कहती है, सो आई वॉज बॉर्न ऑफ योर डिस्गस्ट, कि मैं यानी कि इस नफरत भरे रिलेशन की पैदावार हूँ। और क्रिस्टीन जो है वो एडमिट करती है दैट आई लव ओरिन मैनन एंड नॉट लिविनिया। ओरिन जो है वो उसका बेटा है, लिविनिया का भाई है, ठीक है। अब अगेन आप इडिपस कम्प्लेक्स को जहन में रखते हुए इस बात को लेके चलें कि उसको अपने शौहर से नफरत है, लेकिन उसको मोहब्बत अपने बेटे से है, और उसको अपनी बेटी से भी नफरत है, ठीक है। यानी कि जो ओनली जो लीडिंग घर का मेल मेंबर है उसका बेटा, उससे उसको मोहब्बत है। अब उस मोहब्बत को जो एडम से उसका लव अफेयर है वो उसको जस्टिफाई कैसे करती है, इस जस्टिफिकेशन को आप पढ़ें तो हमें मजीद पता चलता है कि इडिपस कम्प्लेक्स का थीम जो है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। सो शी सेज दैट शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू गो ऑफ एंड फाइट इन इन द वॉर, कि मैं नहीं चाहती थी कि ऑरेंज जो है वो जंग में जाके के लड़े, लेकिन तुमने उसे कन्विंस किया और वो तुम्हारी वजह से जंग में चला गया, वरना वो ना जाता। और वो ये कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को कन्विंस ना किया होता, अगर वो यहाँ पर होता, तो मैं एडम ब्रांड से मोहब्बत ना करती। वो ये उसे बताती है कि दैट आई लॉन्ग फॉर लव, कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे मोहब्बत की जाए, मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई बंदा प्यार करे। तुम्हारा वालिद मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हारा भाई जो है वो जब यहाँ पे था तो वो मुझसे प्यार करता था। अब उस गैप को फिल करने के लिए वो ये कहती है कि आई वॉन्टेड अनदर लवर, सो आई फाउंड एडम ब्रांड एज रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिन मैनन। सो दे अब इडिपस कम्प्लेक्स का थीम जो है वो डिवेल्प हो रहा है कि जो क्रिस्टीन है ये अब फिजिकली अट्रैक्टेड है टूवर्ड ओरिन मैनन, और उसका मे बी फिजिकल रिलेशन भी हो ओरिन के साथ। अब जब वो जंग पे चला गया, और आप इस चीज़ को जहन में रखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन सिविल वॉर, एंड इट वॉर स्टार्टेड इन 1861 एंड इट एंडेड इन 1865। इट वॉज अ 4 ईयर्स लॉन्ग वॉर, एंड फॉर द 4 ईयर्स
बेटा उसका घर पे नहीं है। सो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे शी हैज फॉलन इन लव विद कैप्टन एडम ब्रैंट। अब यहाँ पे लिविनिया अपनी वालदा को ये बात बताती है कि एडम जो है उसका मकसद जो उसने अफेयर तुमसे चलाया है उसका मकसद सिर्फ ये था कि ही वांटेड रिवेंज, ही वांटेड रिवेंज ऑन एज़रा, और वो उसको पूरी हिस्ट्री बताती है उसकी। और फर्दर मोर लिविनिया उसे ये भी अपनी वालदा को वार्निंग देती है कि मैं वालिद को नहीं बताऊंगी। उसको बताने की वजह यह है कि मैं वालिद को हर्ट नहीं करना चाहती, और ये बात उस वक्त तक नहीं बताऊंगी कि अगर तुम आज वादा करो कि तुम आइंदा कैप्टन एडम ब्रांड के साथ अपना रिलेशन खत्म कर लोगी। क्रिस्टीन उसे कहती है कि आई नो दैट यू वांट कैप्टन एडम ब्रांड फॉर योर सेल्फ, यानी कि तुम खुद उसे मोहब्बत करती हो, तुम खुद उसे शादी करना चाहती हो। और वो फर्दर मोर लिविनिया पे ये भी इल्जाम लगाती है कि यू वॉन्टेड टू स्टील माई प्लेस एज अ वाइफ टू योर फादर एंड एज मदर टू योर ब्रदर, यानी कि तुम इस घर में मुझे ख़त्म करके मेरी जगह लेना चाहती हो, तुम उस पोजीशन में आना चाहती हो जिस पोजीशन में मैं हूँ, यानी कि तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि तुम अपने वालिद की वाइफ बन जाओ और तुम अपने भाई की माँ बन जाओ। एंड यू विल सी दैट आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्टीन जो लिविनिया है वो उसकी और इनकी वालदा बनने की पूरी कोशिश करती है, वो अटेम्प्ट करती है कि वो जो मतलब कि वालदा का स्पॉट खाली है उसके भाई के लिए वो उस स्पॉट को फिल करे। अच्छा, लिविनिया मजीद उसको धमकी देती है अपनी वालदा को, और वो ये कहती है कि इफ माई फादर नोज, अगर एजरा को पता चला, एजरा मैनन को पता चला दैट यू हैव बीन हैविंग अफेयर विद एडम ब्रांड, तो चूंकि मेरा वालिद जो है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो वो उसका कैरियर जो है उसको तबाह कर देगा, उसको कहीं पे नौकरी नहीं मिलेगी। फर्दर मोर के वालिद जो है वो तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं करेगा। अब रिमेंबर के इस टाइम पीरियड के अंदर खवातीन को डाइवोर्स लेने का हक भी हासिल नहीं था, जब तक कि मर्द डाइवोर्स ना दे औरत डाइवोर्स नहीं ले सकती थी। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथोलिक्स जो हैं यू कैन ओनली मैरी वंस, आप सिर्फ एक दफ़ा शादी कर सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा शादी जो है वो नहीं कर सकते। तो वो ये कहती है कि वालिद कभी तुम्हें मतलब के डाइवोर्स भी नहीं करेगा, और फर्दर मोर उसे ये बताती है कि यू आर ऑलरेडी एन ओल्ड वुमन, कि तुम मतलब कि बूढ़ी औरत हो, एंड वेन यू बिकम मोर ओल्ड, कि जब तुम ज़्यादा बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी तो कैप्टन एडम ब्रांड जो है वो तुमसे नफरत करेगा, वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा, वो एक नौजवान शख्स है, तुम एक बूढ़ी औरत हो, तुम्हारा उसका क्या मैच बनता है, तुम्हारा तो आपस में कोई मैच ही नहीं बनता। अच्छा, मजीद थोड़े से आर्गूमेंट होते हैं, उसके बाद क्रिस्टीन एग्री करती है कि मैं एडम ब्रांड को छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ अफेयर कंटिन्यू नहीं करूंगी, और वो फिर अपनी बेटी लेविनिया को ये भी बताती है कि तुम्हारे साथ ये जो उसका हल्का सा अफेयर चल रहा है ये सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि मैंने उसे कहा है कि तुम मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करो ताकि वो हमारे घर उसका आना जाना लग रहा है। तो लेविनिया बताती है कि आई नो इट, वो ये कहती है कि मुझे डे वन से इस चीज़ का इल्म है और डे वन से मैं सब कुछ जानती हूँ। मीनवाइल क्रिस्टीन ये एडमिट तो करती है लेविनिया के सामने कि मैं एडम को छोड़ दूंगी, लेकिन इन रियलिटी शी डज नॉट वॉन्ट टू लीव एडम, शी वॉन्ट्स टू बी विद एडम। और वो पूरी जो डिस्कशन है लेविनिया की वो एडम ब्रांड को बता देती है, और वो फिर ऑप्शंस डिस्कस करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या चॉइस है। तो एडम ब्रांड उसे ये कहता है कि हम एजरा को मार सकते हैं ड्यूअल के जरिए, कि मैं उसको चैलेंज करूं, हम फाइट करें और मैं उसको मार दूं। ठीक है, क्रिस्टीन कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अरेस्ट हो जाओगे और तुम्हें फांसी लग जाएगी, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मीनवाइल क्रिस्टीन जो है वो एडम को यही भी बताती है कि एजरा को हार्ट का इशू है, वो उसको एक मेडिसिन लिख के देती है, जहर का नाम लिख के देती है कि ये वाला आइटम लेकर आओ, मैं उसकी दवाई के साथ मिक्स कर दूंगी, लोग यही समझेंगे कि इसको हार्ट अटैक हुआ है और इसकी डेथ हो गई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एडम ब्रांड जो है वो इस चीज़ पे
पे एहतजाज करता है। वो ये कहता है कि नहीं, ये तरीकाकार नहीं है बदला लेने का, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, मैं खुद उसे लड़ना चाहता हूँ। लेकिन क्रिस्टीन उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा ही तरीकाकार अपनाना होगा और यही तरीकाकार जो है तुम्हारे लिए और मेरे लिए महफूज है। और फिर एडम, जाहिर है, खवातीन के अंदर कन्विंसिंग पावर होती है और वो कन्विंस कर लेती है एडम को। एडम चला जाता है, क्रिस्टीन ये सोचना शुरू कर देती है कि ये मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, इवन कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, इवन व्हेन आई ग्रो अगली ही विल नॉट लीव मी। अब ये खवातीन की फैंटेसीज होती हैं, ठीक है, तो वो अपनी फैंटेसी में चली गई है। यहाँ पे जो एक्ट नंबर 2 है होम कमिंग का, उसका इख्तिताम होता है। सो नाउ वी एंटर इनटू एक्ट नंबर 3 ऑफ होम कमिंग, जो कि पहला प्ले है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का। सो एक्ट 3 इज़ अ वीक लेटर, फैमिली अभी तक एजरा मैनन के रिटर्न का इंतज़ार कर रही है, ठीक है, और मैनन हाउस के अंदर ही सीन जो है इट टेक्स प्लेस। लेट है यानी कि शाम का वक्त है, और जो कॉलम्स हैं घर के सामने यानी कि जो पिलर्स हैं उनका साया जो है वो दूर दूर तक पड़ रहा है। गार्डनर जो सेथ है उसकी आवाज़ आती है, ही इज़ अगेन सिंगिंग द सॉन्ग शेनन्डोहा, एंड दिस टाइम उसने एक न्यू वर्स ऐड की है, एंड ही सेज़ ओ शेनन्डोहा आई लव यू डॉटर। लिविनिया मैनन जो है वो अगेन हमें ब्लैक ड्रेस के अंदर दिखाई देती है। ब्लैक ड्रेस जो है ये अंग्रेज़ों के यहाँ एक रवायती लिबास है, जब किसी की फौतगी होती है तो फौतगी के ऊपर जो वो सब लोग हैं ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। सो इट इज़ सिंबल ऑफ मोर्निंग यानी कि अफसोस का, अफसुर्दगी का जो लिबास है वो ब्लैक ड्रेस है। और प्ले के अंदर लिविनिया में अक्सर जो है वो ब्लैक ड्रेस के अंदर दिखाई देती है। सेथ जब दाखिल होता है तो लिविनिया उसका मजाक उड़ाती है कि तुम जो है वो नशे में धोत होते हो और हर वक्त मतलब के गाने गाते रहते हो। वो लिविनिया से सवाल करता है कि क्या तुम्हें कैप्टन एडम ब्रांड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो लिविनिया उसे बताती है कि यू आर मिस्टेकन, कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैप्टन एडम ब्रांड के बीच में और मेरी ब्रांडम के बीच में कोई जो रिलेशन है वो नहीं है। अच्छा, फिर जो सेथ है वो मजीद वाकयात बताता है मेरी बैंटम के बारे में, और वो ये भी बताता है कि तुम लोगों के हेयर जो हैं यानी कि क्रिस्टीन के बाल तुम्हारे बाल मेरी के बालों से मिलते हैं। और सेफ की बालों बातों से लगता ये है कि वो खातून इतनी अट्रैक्टिव थी कि जो एजरा मैनन है ही वॉज ऑल्सो इन लव विद मेरी ब्रेंटम, ठीक है। अब जब लिविनिया ये बात सुनती है तो शी इज़ अनसेटल्ड, की वो अनईजी है कि उसका वालिद जो है वो भी मेरी से मोहब्बत करता था। अब कीप दिस लाइन इन योर माइंड कि शी फील्स अनसेटल्ड दैट हर फादर इज और वॉज इन लव विद समबडी एल्स फ्रॉम द साइको एनालिटिक परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम दी इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का जो परस्पेक्टिव है उस परस्पेक्टिव से इस लाइन को आपने जहन में रखना है। मीनवाइल क्रिस्टीन जो कि उसकी वालदा है वो वहाँ पे दाखिल होती है, और वो लिविनिया को तंग करती है दैट यू आर वेटिंग फॉर योर लवर एंड योर लवर इज़ नो वन एल्स बट योर फादर। ये उसकी वालदा उसको तंग करती है, तंज करती है, ताना देती है, और वो उसको ये भी एडवाइस करती है दैट यू शुड मैरी पीटर नाइल्स जो कि उनका पड़ोसी है, बचपन का दोस्त है, कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद वो लिविनिया को बताती है कि मैं अपना किरदार अदा करूंगी यानी कि मैं आइंदा एडम ब्रांड से मुलाकात नहीं करूंगी, तुम्हारे वालिद की वफादार रहूंगी और उसके बदले में तुम अपने वालिद को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन वो ये चाहती है कि उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन दी जाए कि एजरा मैनन ने वापस कब लौटना है। शी सीम्स शॉक्ड एंड अपसेट कि जब उसको रियलाइज होता है कि एजरा मैनन इज रिटर्निंग दैट वेरी नाइट।
जब उसे ये पता चलता है तो वो फिर दोबारा उसका मजाक उड़ाती है कि अच्छा तुम अपने बाप का ऐसे इंतजार कर रही हो कि जैसे तुम अपने लवर का इंतजार कर रही हो। जब ये गुफ्तगू जारी होती है तो इतने में एज़रा मैनन जो है वो घर के अंदर दाखिल होता है। लिविनिया जब अपने वालिद को देखती है तो शी इज़ वेरी थ्रिल्ड एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड। व्हेन शी इज़ एक्साइटेड इन हर एक्साइटमेंट शी रन्स टू हिम, उसकी जानब भाग के जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू कर देते हैं। एज़रा जब अपनी बेटी की मोहब्बत देखता है तो वो फ्लैटर होता है, खुश होता है कि इतनी ज़्यादा अटेंशन उसको मिल रही है। और जब वो घर के अंदर दाखिल होता है अपनी वाइफ को देखता है तो अपनी वाइफ की खूबसूरती की तारीफ करता है, उसके हुस्न की भी तारीफ करता है और उसे बताता है कि ओरिन जो कि उनका बेटा है वो जंग के अंदर जख्मी हुआ है। तो वो फौरन नाराज़ होती है, गुस्सा करती है उस पर कि तुम उसे लेकर गए थे, तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हो गई है। शी बिलीव्स के जख्म हुआ है तो जख्म के नतीजे में उसकी डेथ हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। एज़रा उसको अश्योर करता है, यकीन दिलाता है कि ओरिन जो है वो जिंदा है, सिर्फ जख्मी हुआ है। एंड उसको वो ये भी बताता है कि मैंने ओरिन की ब्रेवरी यानी कि जिस अंदाज में उसने जंग लड़ी वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, एंड ही हैज ट्रूली बिकम अ मैन, के वो एक मर्द बन चुका है। मीनवाइल अब चूंकि वालदा और बेटी के बीच में टसल चल रही है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का सीन भी आपको पता है कि वो भी एक पर्सपेक्टिव है प्ले का, तो उस पर्सपेक्टिव में लिविनिया जो है वो अपने वालिद को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, उसके साथ रहना चाहती है, और अपना क्रिस्टीन चाहती है कि उसको एज़रा के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। सो दोनों की आपस में टसल चल रही है। वहाँ पे एज़रा जो है वो अपनी बेटी को ऑर्डर करता है दैट यू शुड गो टू बेड, लेकिन वो जाने से पहले अपने वालिद को अश्योर करती है और उसकी लाइन पे, अब आपने ये लाइन जहन में रखनी है, वो ये कहती है कि यू आर दी ओनली मैन आई विल एवर लव, आई एम गोइंग टू स्टे विद यू, कि यू आर दी ओनली मैन इन माई लाइफ। नाउ यू नीड टू इंटरप्रेट दिस लाइन फ्रॉम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स परस्पेक्टिव, ठीक है, कि उसके कहने का मकसद ये है कि यू आर माई लवर, यू आर दी ओनली मैन ऑफ माई लाइफ, कि तुम सिर्फ वो वाहिद शख्स हो जो मेरी जिंदगी में हो, एंड विदाउट यू यानी कि तुम्हारे बगैर या तुम्हारे अलावा देर इज़ नो वन एल्स इन माई लाइफ। सो एज़रा मेनन को भी रूमर्स का पता चला है कि एक उसकी वाइफ जो है क्रिस्टीन, शी हैज़ बीन हैविंग एन अफेयर विद कैप्टन एडम ब्रांट, एंड ही इज़ वेरी अनॉयड एट दीज रूमर्स, के वो उससे सवाल करता है कि ये मतलब कि क्या खबरें चल रही हैं। तो क्रिस्टीन उसको बताती है कि एडम हैज़ नो रिलेशन विद मी, रादर ही हैज़ बीन यू नो आफ्टर लिविनिया। सो जब एज़रा को पता चलता है कि लिविनिया और एडम जो है उनका आपस में कुछ अफेयर वगैरह है, जो एक उस वक्त में के था भी सही, लोगों को इल्म था इस चीज़ का, सो वो फिर अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। और जो उसके माफ़ी मांगने का मकसद है, उसके पीछे मकसद ये है दैट ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज रिलेशनशिप विद हर, कि वो अपने हालात जो हैं जो उसके ताल्लुकात हैं अपनी वाइफ से उनको वो इम्प्रूव करना चाहता है, बिकॉज ही नोज दैट हिज रिलेशनशिप विद हर बिफोर ही वेंट टू वॉर वॉज नॉट अ गुड सॉर्ट ऑफ रिलेशन। और उसको वो खुश करने के लिए मजीद ये भी कहता है कि भाई ड्यूरिंग द वॉर आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, कि तुम्हारे बारे में मैं सोचता रहा हूँ। और वो उसे ये भी बताता है कि आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू लव्ड ओरिन मोर, यानी कि तुम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करती हो एज़ कम्पेयर टू मी, और इसी वजह से मुझे अपनी तवज्जो या अपना फोकस जो है वो अपनी बेटी की जानेब करना पड़ा, यानी कि मेरा झुकाव जो है वो लिविनिया की जानेब ज़्यादा है। लेकिन वो यहाँ पे ये कहता है कि बट
अ डॉटर इज इन द सेम एज वाइफ, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइफ एंड अ डॉटर. And then he says that he has changed because of the war, because of the things that he has seen in the war, and he wants a life together with Christine. और वो ये भी चाहता है कि he wants her to love him, कि तुम मुझसे मोहब्बत करो. अच्छा, अब जब ये रोमांटिक किस्म की गुफ्तगू चल रही होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो लिविनिया उसी वक्त रूम के अंदर दाखिल होती है. तो एज़रा मैनन उससे कहता है गो टू बेड, कि तुम सोने चली जाओ. जब वो अपने रूम में जाती है तो शी इज़ टॉकिंग टू हर सेल्फ आउट ऑफ जेलसी एंड शी इज़ डिक्लेयरिंग हर हेट्रेड फॉर क्रिस्टीन, जो कि उसकी मदर है. नाउ अकॉर्डिंग टू ईडिपस कम्प्लेक्स, के व्हेन अ चाइल्ड इज इन ईडिपल रिलेशन और व्हेन ही हैज ईडिपल फीलिंग्स, तो जो सेम सेक्स पेरेंट्स होते हैं उनसे आपको हेट्रेड होता है, उनसे आपको नफरत होती है, एंड यू विश फॉर देयर डेथ. सो इसी ईडिपस कम्प्लेक्स को मद्देनजर रखते हुए आपने इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन में जाना है. एंड वहाँ पे उसकी लाइन है, यू स्टील इवन फादर्स लव फ्रॉम मी अगेन, यू स्टोल ऑल लव फ्रॉम मी, एंड शी येल्स आउट फॉर हर फादर एंड डिक्लेयर्स शी दैट शी फॉरगॉट टू से गुड नाइट. ठीक है, तो वो डिक्लेयर करती है कि गुड नाइट विश करना वो अपने वालिद को भूल गई है. सो यहाँ पे जो एक्ट नंबर 3 है होम कमिंग का, उसका इख्तिताम होता है. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड एक्ट नंबर 4 ऑफ दिस फर्स्ट प्ले होम कमिंग. सो नाउ वी आर इन टू होम कमिंग एक्ट नंबर 4. एक्ट नंबर 4 जो है वो एज़रा मेनन के बेडरूम में पेश आता है. क्रिस्टीन मेनन और एज़रा जो है वो नॉर्मली सेपरेट रूम्स में सोते हैं. क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है, अंधेरा है. क्रिस्टीन जो है वो रूम के अंदर दाखिल होती है एज़रा के रूम के अंदर, और वो ये उसे कहता है कि तुम कैंडल लाइट करो. क्रिस्टीन मीनवेल प्रोटेस्ट करती है कि नहीं, मुझे अंधेरा पसंद है और मुझे रोशनी पसंद नहीं है. तो एज़रा वहाँ पे उससे कहता है कि तुम चूँकि मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, इस वजह से तुम कमरे के अंदर वो रोशनी नहीं चाहती. मीनवाइल एज़रा जो है वो कैंडल को लाइट करता है, यानी कि मोमबत्ती चलाता है. क्रिस्टीन जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करती है कि आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट, के माजी में जो कुछ हो चुका मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती. एंड शी फर्दर सेज कि लिविनिया जो है शी हैज़ बीन, या वो तुम्हारे कमरे के बाहर चल फिर रही थी. इट मींस के ऐसे लगता है कि जैसे वो तुम्हारी हिफाजत कर रही हो. तो एज़रा कहता है कि एट लीस्ट शी इज़ द वन हु लव्स मी, कि वो कम से कम मुझसे मोहब्बत तो करती है ना. मीनवाइल एज़रा सेज दैट ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही इज़ फीलिंग स्ट्रेंज, कि देर इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हिज माइंड, एंड ही फील्स एज इफ हिज वाइफ, यानी कि क्रिस्टीन जो है इज नो लॉन्गर हिज वाइफ, एंड शी इज वेटिंग फॉर हिज डेथ, ताकि उसकी मौत हो और वो आज़ाद हो जाए. तो अब यहाँ पे क्रिस्टीन को मौका मिलता है कि वो जो है वो उसकी हार्ट कंडीशन का फ़ायदा उठाए और मज़ीद बातें करें उससे. सो शी सेज के आई हैव नेवर बीन योर्स, कि मैं कभी भी तुम्हारी नहीं रही, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, और अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी हूँ तो यू आर फुलिश टू थिंक ऑफ इट. और वो वहाँ पे कन्फेस करती है दैट आई हैव बीन सीन कैप्टन एडम ब्रांट. फर्दर मोर वो ये भी बताती है दैट एडम जो है वो ही इज़ द सन ऑफ मेरी ब्रांटन. एज़रा ये सुन के शॉक होता है और उसके दिल में तकलीफ शुरू हो जाती है उसको, और उसे कहता है कि मुझे मेडिसिन ला के दो. अब वो मेडिसिन की बजाय जहर की गोली उसको दे देती है जो कि एडम ने उसके हवाले की थी.
एजरा मेडिसिन लेता है, जब वो लेता है तो वो रियलाइज कर लेता है कि इट वाज नॉट मेडिसिन, रादर इट वाज समथिंग एल्स। तो वो फौरन येल यानी कि चीखता है अपनी बेटी लेवीनिया के लिए। लेवीनिया जो है फौरन भागी हुई आती है और वो ये कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि जैसे मेरा बाप जो है वो मुझे बुला रहा है। तो वहाँ पे क्रिस्टीन प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि देर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन लेवीनिया जो है वो एजरा को अपनी बाहों में लेती है और उसका वालिद जो है वो उसके जो आखिरी अल्फाज है उसके आखिरी अल्फाज ये हैं, शी इज़ गिल्टी नॉट मेडिसिन एंड डाइज, कि ये उसके आखिरी अल्फाज हैं। वो अपनी वाइफ की हकीकत रिवील कर देता है कि ये एक सुरवार है, इसने जो कुछ भी किया है वो इसने किया है। और उसके बाद एजरा मैनन की डेथ हो जाती है, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है इस अपना पूरे प्ले का, क्योंकि इसके साथ फिर आगे एक चेन रिएक्शन कनेक्टेड है, जो कि इस डेथ के नतीजे में एक और डेथ, फिर उस नतीजे में एक और डेथ, फिर उस डेथ के नतीजे में एक और डेथ, यानी कि मैनन फैमिली जो है उसके ऊपर फिर इस मौत के बाद अमवात जो है वो छा जाती हैं। अब जबकि लेवीनिया को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि क्रिस्टीन जो है शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हर फादर, तो क्रिस्टीन यहाँ पे एक्टिंग करने की कोशिश करती है ताकि शक जो है एजरा की डेथ का वो उस पर ना आए। शी एक्ट्स एज इफ शी इज़ शॉक दैट एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन लेवीनिया जो है वो येल करती है, चीखती है उस पर, उसे कहती है कि तुम झूठ मत बोलो। मीनवाइल क्रिस्टीन कहती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर फादर बिकॉज यू हैड लेड सस्पिशन अगेंस्ट मी एंड एडम इन द माइंड ऑफ एजरा, सो आई हैड टू एडमिट दैट आई हैड बीन सीइंग एडम ब्रैंट। और अकॉर्डिंग टू हर के वो जो एडमिशन है इट हर एडमिशन हैज लेड टू हार्ट फेलियर ऑफ हर हस्बैंड। तो लेवीनिया वहाँ पे क्वेश्चन करती है, वो उसे कहती है कि ये जो वालिद ने मरने से पहले कहा है नॉट मेडिसिन, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट थी उसकी नॉट मेडिसिन इसका क्या मतलब है। क्रिस्टीन कहती है कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, एंड शी एक्सक्यूजेज हर सेल्फ टू लाई डाउन बट फेंट्स ऑन हर वे आउट, के आराम करने के लिए जाती है लेकिन आराम के बजाय वो रस्से में बेहोश होकर गिर जाती है। मीनवाइल लेवीनिया जो है शी इज़ इन वेरी सैड स्टेट के बहुत ही अफसरदगी की हालत में है और वो ये कहती है कि यू हैव मर्डर्ड माई फादर बाय टेलिंग हिम अबाउट योर रिलेशनशिप विद एडम ब्रैंड, ताकि ये मर जाए और उसके मरने के बाद तुम जो है वो आज़ादी से उसके साथ शादी कर सको। लेकिन वो वहाँ पे वाव करती है, यानी कि पक्का इरादा करती है, तहिया करती है कि आई विल मेक यू पे फॉर योर क्राइम एंड आई विल फाइंड अ वे टू पनिश यू, के तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी। इसके बाद उसकी आंखें उस डब्बे पे पड़ती हैं और उस डब्बे को देखने के बाद उसको इल्म हो जाता है कि नॉट मेडिसिन का मतलब क्या है। वो डब्बा क्रिस्टीन ने बेहोश हुई तो वो मतलब कि जल्दी जल्दी उसने वो रस्से में फेंक दिया। अब डब्बा जो है जिसमें जहर की मतलब के गोलियां हैं वो लिविनिया की पोजेशन में है और उसको अपनी पोजेशन में लेने के बाद अपने वालिद की डेड बॉडी को अपनी बाहों में लेती है और वो रोना शुरू कर देती है। शी बेग्स हिम टू रिटर्न टू लाइफ एंड टेल हर व्हाट टू डू। सो एजरा मैनन की डेथ जो है यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है, ये फर्स्ट प्ले जो है होम कमिंग, इसका इख्तिताम होता है। ठीक है, सेकंड सेक्शन है द हंटेड।
द सेकेंड पोर्शन ऑफ द प्ले इज टाइटल्ड एज द हंटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द स्टोरी ऑफ द हंटेड एक्ट वन। हंटेड एक्ट वन जो है ये एज़रा मेनन की डेथ के 2 दिनों के बाद है, और जो टाउन्स पीपल हैं वो ऑब्वियसली जो फ्यूनरल सेरेमनी होती है उसके ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं सारे के सारे। और टाउन पीपल का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो माइनर करेक्टर्स हैं उनका रोल ये है कि उन्होंने कमेंट्री करनी है, उन्होंने कॉरस का रोल अदा करना है। सो दे आर रिमार्किंग, दे आर डिस्कसिंग दैट क्रिस्टीन मेनन जो है वो बहुत एक अच्छी वाइफ साबित हुई है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा तसारुफुल है। वो लिविनिया के बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा पुरसकून है, और ऐसे लगता है कि जैसे उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। और फिर ये भी गपशप होती है कि एज़रा मेनन जो था ही वॉज अ ग्रेट मैन ट्रूली। फिर मजीद डिस्कशन होती है कि एज़रा मेनन जो था उसका मरना कम्युनिटी के लिए यानी कि इलाके के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ऑब्वियसली ही वॉज अ रिच मैन, ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल मैन, ही हैड रिलेशंस। तो इसके बाद ये भी स्पेकुलेशन होती है कि ही डाइड आउट ऑफ लव यानी कि जो उसकी वाइफ है वो इतनी ज़्यादा पैशनेट थी उसके रिटर्न पे, एंड ही ऑल्सो गॉट दैट पैशनेट कि उसकी चूँकि वो हार्ट का पेशेंट था तो वो इन इमोशन को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, आफ्टर द लीव उनके जाने के बाद, लोगों के जाने के बाद क्रिस्टीन बाहर आती है एंड शी इज़ इन अ डिस्ट्रॉट स्टेट। शी सीम्स वेरी अपसेट, शी सीम्स वेरी सैड। अब उसके अपसेट वरीड होने के पीछे रीज़न कुछ और है जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। हेज़ल नाइल्स भी उसके साथ है और वो ऑरिन मेनन जो कि क्रिस्टीन का बेटा है उसके रिटर्न के बारे में बातें हो रही हैं, और बहुत जल्दी ही ऑरिन जो है उसके आने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। मीनवाइल क्रिस्टीन जो है वो हेज़ल को वार्न करती है कि लिविनिया पूरी कोशिश करेगी कि तुम्हारी ऑरिन से शादी ना होने दे, लेकिन वो ये भी बताती है कि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगी लेवेनिया के असर से, वो उसके असर में उसको नहीं आने देगी। और इसके अलावा क्रिस्टीन ये भी बात करती है कि लेवेनिया का बिहेवियर जो है एज़रा की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो चुका है कि वो अजीब अंदाज में बिहेव कर रही है और वो मुझसे गुफ्तगू भी नहीं कर रही। अब उसके पीछे रीजंस जो हैं वो अपना क्रिस्टीन भी उन रीजन से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि लिविनिया का ऐसा रवैया अपनी माँ से क्यों है। मीनवाइल क्रिस्टीन जो है वो हेज़ल की पर्सनैलिटी पे कमेंट करती है दैट हेज़ल जो है वो एक अच्छी लड़की है, गुड हार्टेड गर्ल है, और वो इस सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हेज़ल जो है सब लोग हेज़ल जैसे इनोसेंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि शायद इस वजह से कि गॉड जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद उसकी लाइन है दैट गॉड ट्विस्ट्स एंड रिंग्स एंड टॉर्चर्स अवर लाइव्स विद अदर्स लाइव्स अंटिल वी पॉइजन ईच अदर टू डेथ, कि हमारी जो जिंदगियां ये उलझी हुई हैं बाकी लोगों की जिंदगियों के साथ। पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के साथ कि जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, और अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू पॉइजन दीज पीपल टू डेथ। अब एक अंदाजे से अगर एक एंगल से देखा जाए तो वो अपना जो उसका क्राइम है कि जो उसने एज़रा को जहर दे के मारा है वो उसका इकरार कर रही है हेज़ल के सामने, लेकिन हेज़ल को चूंकि पूरे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता सो शी इज़ अनअवेयर ऑफ दैट सिचुएशन। क्रिस्टीन और हेज़ल अंदर जाते हैं तो इसी असना में ओरेन, पीटर नाइल्स और लेवीनिया जो है वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। अब ओरेन जो है अगर आप उसको देखें तो उसकी अपीरेंस जो है वो एज़रा मेनन यानी कि अपने वालिद की तरह है, और इसके अलावा उसकी अपीरेंस कैप्टन एडम
ब्रांड की तरह। एडम ब्रांड जो है वो भी आपको पता है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मेनन्स के, वो जो वो अंकल जिसकी डेथ हो गई वो उसका बेटा है। घर के अंदर दाखिल होते ही ओरेन जो है ही इज लुकिंग फॉर हिज मदर, और जो हाउस है हाउस को देखने के बाद उसके कमेंट्स निकलते हैं दैट द हाउस इट लुक्स लाइक अ घोस्टली हाउस एंड डेड, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मकबरा होता है, टॉम होता है। अब आप याद करें तो पहले ऑलरेडी अपना क्रिस्टीन जो है वो भी घर के बारे में इसी किस्म का कमेंट कर चुकी है। लिविनिया दोबारा उसी कमेंट को रिफ्रेज करती है, तो वो ये कहती है इट्स अ टॉम जस्ट नाउ, और इनके वालिद के बगैर अब ये घर जो है ये मकबरे का मंजर ही पेश कर रहा है, इट नो लॉन्गर लुक्स लाइक अ हाउस। मीनवाइल ओरेन और लिविनिया अपने वालिद की हार्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम इज हार्ट कंडीशन वाज नॉट वेरी सीरियस। फर्दर मोर ओरेन उसे ये बताता है कि मौत जो है वो उसके लिए कोई खास मानी नहीं रखती, उसकी रीज़न ये है कि जंग के अंदर उसने इतनी मौत देखी है कि नाउ ही इज यूज टू इट, और उसका माइंड जो है इट इज़ फुल ऑफ घोस्ट, यानी कि जो मुर्दा लोग हैं उनकी यादें उसके जहन के अंदर भरी हुई हैं। यहाँ पे लिविनिया अपने भाई को वार्निंग देती है, उसे कहती है कि तुमने माँ के साए में नहीं आना, कि जैसे बचपन में उसने तुम्हें अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो ऑरेंज जो है वो उसे कहता है कि तुम लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो खो चुका है, यू हैव गॉन मैड। क्रिस्टीन जो है वो मीनवाइल घर से बाहर आती है, ऑरेंज को गले लगाती है एंड शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज हेड इंजरी, की जो कि जंग में उसके हुई थी। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाती है, उसको कॉडल करती है, प्यार करती है। लिविनिया जो है वो मीनवाइल उसके कान में कहती है कि वो बात याद रखना जो मैंने अभी तुम्हें की थी, कि यानी तुमने इस माँ के साय में नहीं आना। तो ये बात ज़ाहिर क्रिस्टीन भी सुन लेती है, तो घूर के लिविनिया को देखती है। ओरेन को घर के अंदर छोड़ने के बाद क्रिस्टीन वापस आती है ताकि वो लिविनिया से गुफ्तगू कर सके, और वो लिविनिया को बताती है कि यू शुड रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम योर मदर एंड यू शुड नॉट बी सस्पिशियस ऑफ मी कि मैंने तुम्हारे बाप को मारा है। उसके बाद क्रिस्टीन लिविनिया से कहती है दैट आई हैव लॉस्ट माई स्लीप मेडिसिन, के नींद वाली गोलियां, उसका मतलब ये है कि वो जो जहर की गोलियां उसने एजरा को दी हैं वही उन्हीं गोलियों की तलाश है उसको, और वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि यू आर गोइंग टू टेल लाइज टू ओरेन, कि तुम झूठ बोलोगी ओरेन से मेरे बारे में कि मैंने तुम्हारे बाप को मारा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम पुलिस के पास जाने की भी कोशिश करोगी। लेकिन उसके आंसर्स में लिविनिया खामोश है। अगर आप बल्कि देखें तो रवैया लिविनिया का जो हमने देखा कि वो खामोशी उसने इख्तियार कर ली है। सो ऑरेंज जो है अब अपनी माँ को अंदर बुलाता है कि इधर आप मुझे टाइम दो। मीनवाइल क्रिस्टीन जो है वो डिमांड करती है लिविनिया से कि तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या इरादा कर रखा है, कि यानी कि तुम अपनी बाप की मौत का बदला किस अंदाज में लेना चाहती हो, आया तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो, तुम करना क्या चाहती हो। लेकिन लिविनिया जो है शी इज साइलेंट, खामोश। जी द हंटेड का एक्ट टू है, एक्ट टू जो है ये मैनन हाउस की सिटिंग रूम के अंदर पेश आता है। ऑरेंज जो है उसकी मुलाकात अपनी वालदा से होती है, वो वालदा को अंदर बुलाता है, वहाँ पे अब उनकी गुफ्तगू हो रही है, और ऑरेंज जो है वो भी क्रिस्टीन का रवैया देखने के बाद उसके बारे में सस्पिशियस हो जाता है, कि लगता है कि देर इज समथिंग फिशी अबाउट हर। लेकिन क्रिस्टीन की जो मोहब्बत है, उसके बालों में हाथ फेरना और उसको तकिया वगैरह देना, इन चीज़ों को वो बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। अब ये जो उसकी मोहब्बत फिजिकली, यानी कि वो उसके जिस्म पे हाथ फेर रही है, उसके बालों में हाथ फेर रही है, अब बिल्कुल ऐसे कि जैसे ऑरेंज जो है वो एक 5 साल का 6 साल का बच्चा हो जिसको वो अपनी गोद में लेके उससे मतलब प्यार कर रही है। अब
और इन इस बिहेवियर के बाद कमेंट ये करता है कि मेरी सिस्टर जो है वो मेरे वालिद का इसी अंदाज में ख्याल रखती है जिस अंदाज में तुम मेरा ख्याल रखती हो अपनी वालिदा से। नो ये जो कमेंट्स हैं इनसे रिवील होता है कि दे आर हैविंग अ सीरियस सॉर्ट ऑफ इडिपल कम्प्लेक्स अमंग देम, कि इनके फैमिली के अंदर इस किस्म का इशू जो है वो चल रहा है, इंसेस्टुअस जो रिलेशंस हैं वो इन लोगों के आपस में हैं। इतने में लिविनिया जो है वो रूम के अंदर, सिटिंग रूम के अंदर दाखिल होती है और वो अपने भाई ओरिन से कहती है कि आओ और अपने बाप की डेड बॉडी जो है उसको देखो। क्रिस्टीन ओरिन को जाने से डिस्करेज करती है, वो नहीं चाहती कि ओरिन जो है वो जाए और अपने वालिद की डेड बॉडी को देखे। लिविनिया के जाने के बाद क्रिस्टीन ओरिन को सारे वाकयात बताती है, जो कि ऑडियंस को यानी कि हम जानते हैं कि ये सारे वाकयात ट्रू हैं, लिविनिया भी जानती है कि ये सारे वाकयात ट्रू हैं। वो कैप्टन एडम ब्रांड की पेरेंटेज के बारे में बताती है और फिर ये भी बताती है कि ये भी अफवाहें चल रही हैं कि मेरा एडम ब्रांड के साथ अफेयर चल रहा है, और ये भी अफवाहें चल रही हैं कि मैंने एजरा को मर्डर किया। लेकिन वो अपने बेटे को कन्विंस करती है कि ये सारी बातें झूठ हैं, और वो उसे ये भी बताती है कि लिविनिया तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ये सारी बातें सच हैं, लेकिन तुमने इन बातों पे यकीन नहीं करना क्योंकि लिविनिया अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। वो गुस्से में है कि एडम जो है वो उससे मोहब्बत नहीं करता और उसके वालिद की यकीनन मतलब कि डेथ भी हो चुकी है, और वो ये कहती है कि इसी शक व शुबे के अंदर लिविनिया ने मेरा पीछा किया है न्यूयॉर्क तक। वो मेरे पीछे आई है ये जानने के लिए कि मैं एडम से मिल रही हूँ या कि मैं किसी और काम से आई हूँ। अब ऑडियंस को पता है कि ये सारी बातें जो हैं ये सच हैं, और क्रिस्टीन जो है वो अपनी वालदा होने का फ़ायदा उठा रही है और अपने अपने बेटे को अपने जेरे साया करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये सारी बातें करते हुए जो क्रिस्टीन है वो रोना शुरू कर देती है। अब ये औरतों के टैक्टिक्स होते हैं, आंसू जो होते हैं ना वो हमेशा मर्द को पिघला देते हैं। अब ये चूँकि साइकोलॉजिकल प्ले भी है तो हमने साइकोलॉजिकल बातें साथ साथ डिस्कस करनी है ताकि बाद में जब हमें इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना पड़े या हमें साइको एनालिटिकली लिखना पड़े तो हम लिखने के लायक हों, वाकयात हमारे पास हों। ठीक है, तो ऑरेंज जो है वो वालदा के आंसू देख के फ़ौरन पिघल जाता है और वो वालदा को मतलब गले लगा लेता है, अपने नीज पे मतलब घुटनों पे चले जाता है और वो अश्योर करता है वालदा को कि मैं तुम्हारी सारी बातें सच मानता हूँ, और लिविनिया अगर पुलिस को बुलाने की कोशिश भी करती है तो मैं उसको मना करूँगा, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूँगा, और उसके अलावा ऐसा करने से फैमिली पे मतलब कि डिसऑनर आएगा, ख़ानदान हमारा बदनाम होगा और मैं अपने ख़ानदान की बदनामी नहीं चाहता। क्रिस्टीन जो है वो और इनका रिस्पांस सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे कहती है माय बेबी, और वो उसे ये भी बताती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन और इन ये कहता है कि अगर एडम ब्रांट मुझे आइंदा यहाँ पर नज़र आया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। इस पे अगेन क्रिस्टीन वरी होती है क्योंकि एडम ब्रांट जो है वो उसका ट्रू लवर है अकॉर्डिंग टू हर। अब उनकी डिस्कशन चल रही है आपस में पुरानी यादों के बारे में, कि क्रिस्टीन जो है वो अपने बारे में बताती है कि तुम्हारे आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एडम बताता है कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था यानी कि जंग पे जाने से पहले मैं तुम्हारे बालों में कंघी किया करता था और वालिद को ये बात पसंद नहीं थी। अब अगेन सिग्नल है हमारे पास इडिपल रिलेशन का। ठीक है कि उस एज में ईडिपस कम्प्लेक्स डेवलप होता है और जो वालिद होता है वो उसको मना करता है कि वो नहीं चाहता कि बच्चा जो है वो दूसरे पेरेंट के साथ जो है वो रिलेशन डेवलप करे। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ
फ्रेडियन साइको कॉम्प्लेक्स है, साइको एनालिसिस है, पूरा का पूरा ये एक अलग से टॉपिक है। और ऑब्वियसली जब आप इस प्ले को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में साथ साथ जो है वो थोड़ा सा नॉलेज हासिल करना ज़रूरी है। मीनवाइल लिविनिया दूसरी दफ़ा रूम के अंदर दाखिल होती है और ऑरेंज से कहती है कि आओ और अपने बाप को देखो दूसरी दफ़ा। इस दफ़ा ऑरेंज जो है वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और क्रिस्टीन जो है वो लिविनिया से कहती है कि तुमने जो बताना है और इनको अब तुम बता सकती हो क्योंकि मैं सब कुछ ऑलरेडी और इनको बता चुकी हूँ। और ऑरिन ने ये कहा है कि अगर ऐसा कोई मामला है भी सही तो मैं ये मामला पुलिस के पास लेके नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत ज़्यादा प्यारी है, और इन केस द मैटर गोज़ टू पुलिस तो द फैमिली इट विल बी डिसग्रेस्ड इन द सोसाइटी। फर्दर मोर लिविनिया के अंदर जेलसी बढ़ाने के लिए क्रिस्टीन ये कहती है कि तुम्हारे भाई को खुशी है, ही इज हैप्पी के फादर की डेथ हो चुकी है। अच्छा, ये बातें करने के बाद दोबारा क्रिस्टीन के माइंड में ख्याल आता है, तो वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है, मिनतें करना शुरू कर देती है लिविनिया की कि तुम और इनसे कोई बात नहीं करोगी, क्यों, क्योंकि अगर तुम मुझसे कुछ बात करोगी तो उसका इफेक्ट यानी कि ज़हनी असर और इन पे होगा, और फर्दर मोर इफेक्ट ये होगा कि वो एडम ब्रांड को मार देगा। लिविनिया के जाने के बाद क्रिस्टीन जो है वो फौरन भागती है एडम को वार्न करने के लिए कि इस घर में दाखिल मत होना वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे हंटेड के एक्ट नंबर 2 का इख्तिताम होता है। जी, द हंटेड का एक्ट नंबर 3 है। एक्ट नंबर 3 जो है ये एज अ मैनन के स्टडी रूम में जहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पे पेश आता है, और इनकी गुफ्तगू हो रही है अपने फादर की डेड बॉडी से, और चूंकि दोनों ने मिलकर जंगें लड़ी हैं और जंगों के अंदर आपको पता है कि बेतहाशा अमवात होती हैं, तो दे हैव सीन लॉट्स ऑफ डेड बॉडीज एंड दे हैव सीन लॉट्स ऑफ डेथ्स। सो नाउ अब एक बंदे की डेड बॉडी जो है जो उसकी मौजूदा जहनी हालत है उसमें वो मीनिंग नहीं रखती, तो वो अपने फादर की डेड बॉडी से बात करता है। वो कहता है डेथ सिट्स नेचुरली ऑन यू, डेथ बिकम्स द मैनन, यानी कि मौत जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसने तुम्हारी शक्ल इख्तियार कर ली हो। लिविनिया जो है मीनवाइल वो अपने भाई को डांटती है, और उसके डांटने की वजह ये है कि तुम अपने बाप की जानिब इतने संग दिल कैसे हो सकते हो, यानी कि तुम उसके ऊपर रो नहीं रहे, तुम कोई अफसोस नहीं कर रहे, ठीक है। और फिर उसे वो ये भी बताती है कि वालिद ने आते ही तुम्हारी बहादुरी की तारीफ की, वालिद जो थे वो तुमसे मोहब्बत करते थे। अब यहाँ पे ऑरेंज जो बात करता है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बड़ी अहमियत रखती है। वो ये कहता है कि ड्यूरिंग द वॉर आई फेल्ट लाइक आई वॉज मर्डरिंग द सेम मैन ओवर एंड ओवर, आई वुड डिस्कवर द मैन वॉज माई सेल्फ। उसके बाद वो मजीद एक्स्ट्रा टेंशन है, और आगे वो ये कहता है कि जो उन आदमियों के अशखास उन आदमियों के चेहरे जो थे दे चेंज इन टू हिज फादर फेस, कि यानी कि उसके अंदर एक इनहेरेंट ख्वाहिश है कि ही वॉन्ट टू किल हिज फादर। अब अकॉर्डिंग टू फ्रेडियन साइको एनालिसिस के जो मेल चाइल्ड है वो अपने मेल पेरेंट को मारना चाहता है ताकि वो अपनी जो मदर है उसके साथ वो रिलेशन कायम कर सके, ठीक है। सो वो जो फ्रेडियन साइको एनालिटिक आइडियाज हैं इडिपस कम्प्लेक्स के हवाले से वो इस प्ले के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं इन छोटे छोटे डायलॉग्स के जरिए, छोटी छोटी सिचुएशंस के जरिए। अब ये बेसिकली उसका अनकॉन्शियस डिज़ायर है ना, कि उसका अपनी वालदा के साथ अच्छा रिलेशन था, ही यूज टू कॉम्ब हर हेयर, और एज़रा मेनन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अगेन कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द मेल चाइल्ड एंड द मेल पेरेंट, और अब जब उसकी डेथ हो चुकी है तो वो कहता है कि वार के दौरान मैंने जितने लोगों को मारा देयर फेसेस कीप और केप्ट चेंजिंग इन टू हिज फादर्स फेस, यानी कि उसके अंदर ख्वाहिश थी कि ही वॉन्टेड टू किल हिज फादर सो दैट ही कुड हैव अ रिलेशनशिप विद हिज
मदर लिविनिया उसे कहती है कि आई नो दैट यू आर अ हीरो, आई नो दैट यू आर अ ब्रेव मैन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पे फख्र है। इसके बाद लिविनिया उसको क्रिस्टीन का जो अफेयर है एडम्स के साथ उसके बारे में बताना शुरू करती है, और इसके अलावा ये भी बताती है कि वालदा ने किस तरीके से फादर का मर्डर किया है, और उस मर्डर के प्रूफ के तौर पे लिविनिया जो है वो गोलियों का डब्बा जिसमें जहर की गोलियां हैं वो उसके हवाले कर देती है ऑरेन के। तो ऑरेन जो है वो गोलियों का डब्बा, जहरीली गोलियों का डब्बा लिविनिया के हाथों से ले लेता है, और वो ये कहता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लिविनिया उससे कहती है कि यू हैव बीन मैनिपुलेटेड बाय क्रिस्टीन, यानी कि माँ ने तुम्हें मैनिपुलेट किया है, उसने तुम्हें यूज़ किया है द वे शी हैज़ बीन यूजिंग यू सिंस चाइल्डहुड। और लिविनिया उसको यहाँ पे रिमाइंड कराती है कि लुक एट अवर हिस्ट्री, लुक एट अवर रिलेशन, कि मैंने कभी भी आज तक तुमसे झूठ नहीं बोला और मैं ये बात भी सच कह रही हूँ। तो वहाँ पे ऑरेन कहता है कि हो सकता है तुम झूठ ना बोल रही हो, लेकिन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल क्योंकि फादर की डेथ हुई है एंड यू हैव बीन सो क्लोज टू योर फादर, यू मे हैव लॉस्ट योर माइंड, तो इस वजह से हो सकता है तुम ऐसा कह रही हो। और फर्दर मोर वो ये भी कहता है कि अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की, तुमने पुलिस को ये मैटर रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो आई विल हैव यू लॉक्ड अप इन द असाइलम, कि मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा, ये कह के कि तुम पागल हो। तो इस मौके पे लिविनिया उसको यकीन दहानी करवाने के लिए अपने फादर की डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखती है, कसम उठाती है कि मैं सच बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग एट ऑल। अच्छा, फाइनल प्रपोजल जो लिविनिया का एसेंस में होता है वो ये होता है कि ठीक है, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस इट्स ओके, हाउ एवर यू मस्ट वॉन्ट हर लवर टू बी पनिश्ड। अब अगेन इडिपल कम्प्लेक्स के आई वॉन्टेड टू हैव रिलेशनशिप विद माई मदर, हाउ एवर देर हैज़ बीन अनदर इंडिविजुअल हु हैज़ बीन इन रिलेशनशिप विद माई मदर क्रिस्टीन। सो इस बात पे ऑरेंज जो है वो एग्री करता है एंड ही सेज दैट इफ इट इज़ फाउंड दैट कैप्टन एडम ब्रांट इज द लवर ऑफ क्रिस्टीन, आई एम गोइंग टू हेट हर एंड आई विल बी कन्विंस दैट ही एंड क्रिस्टीन बोथ ऑफ देम दे आर द मर्डर ऑफ माई फादर। लिविनिया सेज के अगर हम क्रिस्टीन का पीछा करें जब वो न्यूयॉर्क जाएगी तो हम आसानी से इसको रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो वी विल नॉट हैव टू डू एनी थिंग, और वो ऐसा ही करते हैं। लिविनिया उसे कहती है कि तुमने क्रिस्टीन के सामने प्रीटेंड ऐसे करना है कि यू डू नॉट बिलीव माई वर्ड्स, ठीक है, और वो जो पॉइजन का डब्बा होता है वो ऑरेन के हाथों से लेती है और अपने फादर की डेड बॉडी के ऊपर रख देती है। अब इस वक्त रूम के अंदर डेड बॉडी के साथ ऑरेन और लिविनिया मौजूद हैं, ठीक है, दरवाज़ा लॉक्ड है। बाहर से क्रिस्टीन जो है वो आवाज़ें लगाती है, नॉक करती है कि लेट मी इन, जब वो अंदर आती है तो शी इज़ ऑलमोस्ट इनसेन विद वरी कि लिविनिया ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि अंदर खड़े होके अकेले में ऑरेन से कर रही है। तो वो अंदर आते ही ऑरेन को गले लगा लेती है, उसके इर्द गिर्द अपने बाजू लपेट लेती है। ऑरेन वहाँ पे रिपल्स्ड फील करता है, हेटेड फील करता है टूवर्ड हर मदर, और वो उसको रेजिस्ट करना चाहता है लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है, ही डजंट पुश हर अवे। स्टेज डायरेक्शंस जो हैं, जो प्ले की जो एक्टिंग है, प्लेयर की जो एक्टिंग है उससे ऑडियंस को ये रिवील हो जाता है कि ऑरेन जो है वो लिविनिया के मतलब के बातों के ऊपर उसने यकीन कर लिया है। अब उसको पता है कि क्रिस्टीन यानी कि वालदा उसकी अंदर से गिल्ट फील कर रही है, ज़ाहिर है बंदे के चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि लिविनिया इनसेन है, लिविनिया इज मैड। अब आप देखें तो यहाँ पे लिविनिया जो है शी हैज़ रिप्लेस्ड क्रिस्टीन एज मदर टू ऑरेन, यानी कि ऑरेन जो है उसका ज़्यादा एतबार अब अपनी सिस्टर पे है एज कम्पेयर टू क्रिस्टीन जो कि उसकी वालदा है, ठीक है। मीनवाइल क्रिस्टीन जो है वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी
का मुआयना करने लगती है। सडनली उसकी आंखें जो हैं वो उस डब्बे के ऊपर पड़ती हैं जिस डब्बे के अंदर जहर की गोलियां आई थी। तो उस डब्बे को देखने के बाद खौफ के मारे उसकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। ऑरिन जो है उसको खामोश होने का कहता है, लेकिन वहाँ पे ऑरिन को इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि फाजा जो है, यानी कि क्रिस्टीन जो है, शी इज़ गिल्टी। वो जो है वो मतलब इस जुर्म के अंदर बराबर की शरीक है। लेविनिया अब जो है वो अकेले में क्रिस्टीन से सवाल करती है कि क्या ये गोलियां तुम्हें एडम प्लैंट ने ला के दी थी। क्रिस्टीन एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है कि ये तुम मेरे ऊपर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन जो एहतजाज है इन इट सेल्फ, वो इस चीज़ की कन्फर्मेशन है कि क्रिस्टीन ने एडम के ज़रिए एदरा मैनन का मर्डर किया है। अब घर के अंदर लिविनिया भी उसके अगेंस्ट है एंड शी हैज़ रियलाइज्ड कि ऑरिन जो है वो भी लिविनिया की लाइन पे चल पड़ा है। नाउ देयर इज़ नो वन एल्स लेफ्ट, सो क्रिस्टीन अपने डेड हस्बैंड से ही हेल्प मांगना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे द हंटेड के एक्ट नंबर 3 का इख्तिताम होता है। ओके जी, द हंटेड एक्ट 4 जो है इट टेक्स प्लेस ऑन द शिप ऑफ कैप्टन एडम ब्रांट। हिज शिप इज इन द बॉस्टन हार्बर। वहाँ पे ये क्रिस्टीन जो है वो उसे मिलने के लिए जाती है। बिफोर शी एंटर्स वी हेयर अ ट्रैम्प और चैंटी मैन जो कि वहाँ पे गाना गा रहा होता है, अगेन शेनन्डोहा, ठीक है। और वो ये कहता है कि देर हैव बीन लॉट्स ऑफ रॉबरीज ऑन द शिप एंड देर इज डेथ इन दी एयर। ये एंटिसिपेशन है ऑफ द इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन। क्रिस्टीन मेमन जो है वो मेनन एंटर होती है वहाँ पे, और एडम ब्रांट उसे बताता है कि मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी से निकाल दिया है, वॉचमैन को भी नौकरी से निकाल दिया है, अब तुम्हें कोई भी यहाँ पर आते जाते नहीं देख सकता। क्रिस्टीन एडम को ये बताती है कि लिविनिया जो है शी नोज अबाउट द मर्डर ऑफ एजरा मेनन, और वो ये भी उससे बताती है कि ऑरिन को मैंने इस बात पे कायल कर लिया है कि लिविनिया हैज़ लॉस्ट हर माइंड, दैट शी इज़ क्रेजी। लेकिन उसको इस चीज़ का यकीन नहीं है कि हाउ लॉन्ग दिस इज़ गोइंग टू लॉस्ट। अच्छा, अब ऑडियंस को ये बात नज़र आ जाती है कि लिविनिया और ऑरिन जो हैं दे आर ऑलरेडी हाइडिंग ऑन द शिप एंड दे आर लिसनिंग टू ऑल द कन्वर्सेशन दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन क्रिस्टीन एंड एडम ब्रांट। इस इन बातों को सुनने के बाद एडम जो है वो अपसेट हो जाता है कि तुमने इस जुर्म को बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं किया, तुमने इसको हाइड नहीं किया। अब एडम ये कहता है कि ये अच्छा हुआ कि एजरा को मरने से पहले पता चल गया कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि इससे मेरा रिवेंज जो है वो पूरा होता है। लेकिन उसकी ख्वाहिश ये कि काश कि मैं एजरा से लड़ाई करता, डुअल लड़ता, और उस डुअल में शिकस्त देता एजरा को, और इस तरीके से उसको मैं मारता। ये अकॉर्डिंग टू हिम ज़्यादा अच्छा तरीका कार है रिवेंज लेने का। अब क्रिस्टीन और एडम अपने एस्केप का प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से जान कैसे छुड़ाएं, हम यहाँ से भागें कैसे। और क्रिस्टीन ये कहती है कि हम आइलैंड्स में चले जाएंगे, जजायर में चले जाएंगे, और वो ये भी बताती है कि ऑरिन ने उसे एक जजीरे का बताया है, उस जजीरे पे हम चले जाएंगे। दे किस ईच अदर, और क्रिस्टीन जो है वो ये कहती है कि शी होप्स दैट ब्रांट हैज नो रिग्रेट्स। देन दे लीव। उसके बाद क्रिस्टीन जो है वो चली जाती है। नाउ शी हैज लेफ्ट एंड नाउ ऑरिन, लिविनिया एंड एडम ब्रांट दे आर ऑन द शिप। सो ऑरिन इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि काश के मैं इस शख्स को क्रिस्टीन के सामने गोली मारता। हाउ एवर लिविनिया उसे कहती है कि नहीं, यू हैव टू एक्सरसाइज
कॉशन कि ये काम इंतहाई एहतियात से करना होगा, और उससे कहती है कि इंतज़ार करो, एडम के आने का। कि एडम ज़ाहिर है क्रिस्टीन को छोड़ने जाता है, सॉरी, और वो ये कहती है कि वेट करो, लेट हिम कम, उसको जहाज़ पर वापस आने दो। ऑरिन कहता है कि आई नो व्हाट टू डू, और वो ये कहता है कि आई हैव थॉरो ट्रेनिंग एट दिस गेम, कि ये जो मतलब कि मौत का खेल है, इसमें मैंने पूरी ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, एंड इट इज़ थैंक्स टू यू एंड फादर। अब ऑरिन जो था वो जंग पे नहीं जाना चाहता था, फादर उसको जंग पे ले जाना चाहता था। उसको जंग पे जाने के लिए लिविनिया ने कायल किया, ठीक है, और अगर लिविनिया परसूट ना करती तो शायद ऑरेंज जंग पे ना जाता। तो वो ये कहता है कि बिकॉज ऑफ यू एंड फादर आई हैव थारो ट्रेनिंग एट दिस एंड आई नो व्हाट टू डू। इतने में ब्रांड जो है वो री एंटर होता है अपने जहाज में, और ऑरेन उसको फौरन गोली मार देता है। मीन वाइल ऑरेन और लिविनिया जो है वो जहाज के अंदर घूमते हैं, तासुर ये देने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई रॉबरी हुई है, और लिविनिया उसे कहती है कि जो कीमती चीज़ें हैं उनको उठा लो, उनको चोरी कर लो। अच्छा, तोड़ फोड़ करने के बाद, चीज़ें उठाने के बाद, लिविनिया एडम ब्रांड की डेड बॉडी के ऊपर खड़ी होती है। एडम का फेस जो है वो उसके फादर से बहुत मिलता है। अब इट इज़ अगेन साइन ऑफ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के शी लव्ड अ मैन एंड शी वॉन्टेड टू मैरी अ मैन हु लुक लाइक हर फादर, ठीक है। तो एडम के फेस पे खड़ी होती है एंड शी वॉन्डर्स। अब अगेन हमें साइकोलॉजिकल इनसाइट दी जा रही है यहाँ पे, कि वो ये सोचती है कि हाउ के एडम हैव लव्ड सच अ वाइल वुमन एज हर मदर, के एडम इस किस्म की खातून से कैसे मोहब्बत कर सकता है। अब एडम में और एजरा में रिजेम्बलेंस है, क्यों? क्योंकि एडम जो है वो एजरा के भाई का बेटा है, ठीक है, तो फैमिली फेस है, ऑब्वियसली सबका मिलता जुलता फेस है। यहाँ पे ऑरिन भी कमेंट करता है कि एडम ब्रांड की शक्ल जो है वो उनके फादर से मिलती है। उसके बाद वो ये कहता है कि वो जो मेरा ख्वाब था कि आई हैव बीन किलिंग द सेम मैन ओवर एंड ओवर अगेन, और फिर जब भी मैं जिस बंदे को मारता हूँ उसका चेहरा जो है वो मेरे फादर के चेहरे जैसा हो जाता है। अब वो ये कहता है कि एडम को मैंने मारा है, एडम का चेहरा फादर से मिलता है और मेरा भी चेहरा जो है वो भी एडम से मिलता है। सो ही फील्स एज इफ ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड सुसाइड, कि उसने अपने आप को मार लिया। लेविनिया जो है उसे कहती है कि आओ अब हम यहाँ से जाएं, लेकिन वो रुकता है। वो ये एक कहता है कि इफ आई हैड बीन ही आई वुड हैव डन व्हाट ही डिड, कि मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता कि जैसा इसने किया, यानी कि जो उसकी वालदा के साथ हुआ वो वालदा का रिवेंज करने के लिए इस किस्म का कुछ भी कर सकता था। तो अब यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है ऑफ ओरिन मैनन, एजरा मैनन और एडम ब्रांड, ये मिक्स हो रही है। अब क्रिस्टीन जो है शी लव्स एडम बिकॉज हिज फेस रिजेंबल्स ओरिन मैन। लिविनिया लव्ड एडम ब्रांड बिकॉज हिज फेस रिजेंबल्ड एजरा मैन, ठीक है। तो अब आप देखें कि किस अंदाज से जो ईडिपस कम्प्लेक्स का थीम है वो थ्रू द रिजेंबलेंस ऑफ द फेसेस और थ्रू द अट्रैक्शन ऑफ दीज फेसेस डेवलप किया जा रहा है। आखिरकार लिविनिया फोर्स करती है अपने भाई ओरिन को कि आओ नाउ वी मस्ट लीव, एंड दे लीव। जी, द हंटेड का एक्ट नंबर 5 है। अब क्रिस्टीन मेनन जो है वो घर पे है, अकेली है, क्योंकि जो लिविनिया औरेन है वो उसका पीछा करने गए थे बॉस्टन, और ऑब्वियसली वहाँ पे दे है मर्डर्ड एडम ब्रेंट। नाउ चूंकि क्रिस्टीन घर पे अकेली है तो वो हेजल नाइल्स को बुलाती है, बिकॉज आई एम अलोन आई एम अफ्रेड एंड आई डू
डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन, शी इज़ वरिड के लिविनिया और ऑरिन जो हैं वो अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, हाउ एवर दे हैव नॉट रिटर्न एंड आई एम वरीड अबाउट दैम। हेजल जो है उसको रिक्वेस्ट करती है क्रिस्टीन कि तुम आज रात मेरे पास रुको, मैं अकेले नहीं रुकना चाहती। तो हेजल अपने उसे कहती है कि ओके आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म माई फैमिली एंड आई विल स्टे विद यू। वैन हेजल गोज आउट इन द मीन वाइल ऑरिन एंड लिविनिया दे अराइव एट होम, और ऑरिन जो है वो एक्सप्लेन करता है अपनी मदर को दैट दे हैव फॉलोड क्रिस्टीन टू द बॉस्टन और वहाँ पे हमने तुम्हारी जासूसी की, वी सॉ यू विद एडम ब्रैंट एंड आई हैव मर्डर्ड एडम ब्रैंट। और वो अखबार के अंदर जो आर्टिकल छपा है एडम ब्रैंट के मर्डर का, उसको प्रूफ के तौर पे वो क्रिस्टीन को दिखाता है, जिसमें ये लिखा है कि वाटर फ्रंट थीव्स, यानी कि वो लोग जो कि पिछले कुछ अरसे से कश्तियों पे डकैतियां कर रहे थे, उन्होंने डकैती की है एंड दे हैव मर्डर्ड एडम ब्रैंट। अब ऑब्वियसली ये क्रिस्टीन चूंकि मोहब्बत करती है एडम से, शी स्टार्ट्स वीपिंग, तो ऑरेंज जो है वो रिब्यूक करता है, गुस्सा करता है, डांटता है उसको कि तुम एक मुलाजमा की नाजायज़ औलाद के मरने पे तुम गम का इजहार कर रही हो, अफसोस का इजहार कर रही हो। और वो ये भी बताता है कि मुझे पता है कि एडम ब्रैंट माइट हैव यूज्ड हाइपनोसिस, कि उसने हो सकता है तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो। और उसके गुस्सा करने की एक और बहुत बड़ी वजह, गुस्सा करने की मेन वजह यह है कि ऑरिन जो है वो अपनी वालदा को एक जजीरे पे लेके जाना चाहता था, और वालदा उसी जजीरे पे अपने लवर के साथ जाना चाहती थी। अब ये ऑरिन की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, जो पर्टिकुलरली जो उसकी ईडिपल फीलिंग्स हैं उनको हर्ट कर रहा है। सो इस बात पे वो ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम उसके साथ प्लान बना के तो यू वॉन्टेड टू गो टू दी आईलैंड। ये सब सुनने के बाद क्रिस्टीन जो है वो ऑब्वियसली शी इज हॉरिफाइड दैट माई सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड, तो वो अपने बेटे से माफी मांगती है। लेविनिया उसको डांटती है कि तुम जो है वो बच्चों की तरह रो रही हो। मीनवाइल ऑरेंज जो है वो अपने घर के अंदर चला जाता है एंड ही वांट्स कि भाई खिड़कियां खोल दो, पर्दे हटा दो, ताकि थोड़ी सी मून लाइट जो है वो घर के अंदर दाखिल हो। नाउ लेविनिया एंड क्रिस्टीन दे आर ऑल अलोन, अकेले हैं, और लिविनिया उसे कहती है कि एडम ब्रैंट जो है उसने अपने किए की सजा पाई है, कि जो उसने किया मेरे वालिद के साथ उसके बदले में उसको मरना पड़ा। क्रिस्टीन जो है वो मीन वाइल शी स्टार्ट्स टू लीव कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो वो अपनी माँ से सवाल करती है कि मदर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू कैन लिव, कि तुम जिंदा रह सकती हो। अब रिमेम्बर कि जो सेम सेक्स औलाद और जो उनके पेरेंट्स हैं, दे वांट ईच अदर्स डेथ अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस, ठीक है। अब वो उसको इशारा भी कर रही है कि तुम जाके मर जाओ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसे ये भी कह रही है कि यू कैन लिव, कि तुम जिंदा रह सकती हो उसके बगैर। क्रिस्टीन इस चीज़ का मजाक उड़ाती है, और सेथ इतने में जो है उसकी आवाज़ आती है कि अगेन ही इज सिंगिंग द शेनन्डोह सॉन्ग, ठीक है। शी गोज इनटू द हाउस एंड देर इज अ साउंड ऑफ द गन शॉट, के गोली चलने की आवाज़ आती है। तो ऑरेन चीखता है कि मदर जो है शी हैज़ कमिटेड सुसाइड, शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। वो घर से बाहर आता है और नाउ ही इज गिल्टी, ही फील्स हिमसेल्फ टू बी गिल्टी, ही फील्स दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज मदर, कि उसकी वजह से वालदा की यानी कि क्रिस्टीन की डेथ हुई है। एंड नाउ ही लैमेंट्स, क्या वो अफसोस का इजहार करता है कि मैंने इसको ये चीज़ क्यों बताई कि मैंने एडम को मारा, हालांकि शी कुड हैव बिलीव्ड इट कि एडम को जो है वो डाकुओं ने मार दिया। और अगेन उसके जहन में यही चलता है कि अगर माँ को इस चीज़ का यकीन हो जाता कि एडम को डाकुओं ने मारा है, तो फिर यकीनन माँ की तवज्जो दोबारा मेरी जानिब होती।
शी वुड हैव टर्न टू हिम। सो अगेन वो ये चाहता है कि उसकी माँ उसको माफ कर दे। हाउ एवर द मदर शी कैन नॉट फॉरगिव हिम एज शी इज डेड राइट नाउ। सेथ की आवाज़ आती है और लिविनिया सेथ को बुलाती है और उससे कहती है कि कॉल डॉक्टर ब्लेक। डॉक्टर ब्लेक जो है ये उनका डॉक्टर है और उसे बताओ कि वालदा ने वालिद की मौत की सदमे में अपने आप को गोली मार ली है, शी इज़ कमिटेड सुसाइड। तो यहाँ पे जो एक्ट फाइव है द हंटेड का, अब हंटिंग यहाँ पे किसकी थी? देर वॉज हंटिंग ऑफ एडम ब्रांड एंड देर वॉज हंटिंग ऑफ क्रिस्टीन। क्रिस्टीन की हंटिंग थी लिविनिया के हाथों और एडम की जो हंटिंग थी वो ऑरिन के हाथों थी। ठीक है, सो इस पर्सपेक्टिव में इस प्ले का नाम या ये जो सेक्शन है सेकंड सेक्शन, इसका नाम हंटेड रखा गया। फर्स्ट सेक्शन जो है उसका नाम होम कमिंग है, क्योंकि होम कमिंग किसकी हो रही है? एज़रा मेनन जो है वो जंग से वापस आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट सेक्शन है इट हैज़ बीन नेम्ड हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब ये है कि आपके जो डेड हैं उनके भूत, उनकी यादें जो हैं वो आपका पीछा कर रही हैं, वो आपको हॉन्ट कर रही हैं। तो अब जो मैनन हाउस है, आफ्टर द डेथ ऑफ एज़रा मैनन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्टीन, चूंकि दोनों की क्रिस्टीन ने खुदकुशी की और एज़रा को मारा गया क्रिस्टीन की जानिब से, और उससे पहले ऑब्वियसली इट इज़ अ ओल्ड हाउस, बाकी जो इनके लोग हैं उनकी भी डेथ्स यहाँ पे हुई हैं। सो नाउ इट इज़ बिलीव्ड बाई द जनरल पब्लिक दैट दिस हाउस इज हॉन्टेड, यानी कि यहाँ पे भूत जो है उनका आना जाना है। मीन वाइल फॉर द पास्ट 1 ईयर, 1 साल हो चुका है, लिविनिया और उसका भाई ऑरेंज जो है वो दे आर ऑन द ट्रिप टू ईस्ट। अब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया जाता है? गम को भुलाने के लिए। लोग अपना एटमोसफियर चेंज करते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं ताकि वो गम को भुला सकें। सो दे आर देयर इन द ईस्ट, यानी कि मशरक़ के किसी मुल्क में गए हैं और उनको ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका। मीन वाइल उनका गार्डनर जो है वो लोगों के साथ बेट्स लगा रहा है कि तुम इस घर के अंदर 1 रात नहीं गुजार सकते ना, और उसके बदले में $10 जो है वो लोगों से मांग रहा है। मीन वाइल जो हेजल नाइल्स और पीटर नाइल्स जो हैं वो आते हैं और वो सेथ को बताते हैं कि टू ओपन अप द हाउस, क्यों? क्योंकि ओरेन और लिविनिया जो हैं वो नेक्स्ट डे घर आने वाले हैं। ठीक है, और इस खबर को सुनने के बाद बाकी जो लोग होते हैं टाउन के दे लीव चले जाते हैं, और हेजल जो है वो सेथ का मजाक उड़ाती है, उसको डांटती है कि तुम लोगों के साथ शर्तें लगा रहे हो घर के बारे में। तो वो अपना बहाना बनाता है कि मैं लोगों की गुफ्तगू रोकना चाहता था कि लोग इस घर के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेथ का खुद भी ये मानना है कि ये जो घर है इस पे भूतों का साया है, यानी कि इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं है। अब उनकी डिस्कशन चल रही है कि आया लिविनिया और ऑरिन की कुछ हालत इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई 1 साल वहाँ पे गुजारने के बाद। तो हेजल और पीटर जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि लेटर से कुछ खास पता नहीं चला। इतने में लिविनिया जो है, जो उनका अपॉइंटेड डे था, उससे 1 दिन पहले घर के अंदर दाखिल हो जाती है। ठीक है, अभी ये डिस्कशन चल रही है दैट लिविनिया एंटर्स द हाउस। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है तो उसकी लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। लुक उसकी ऐसे चेंज हो चुकी है कि शी हैज़ बिकम हेल्दी, वो अपनी बिल्कुल वालदा की तरह दिखाई देती है। उसके वो जो जिस्म के गैप से भर चुके हैं, यानी कि एक वो मुकम्मल खातून बन चुकी है। ठीक है, और वो जो उसने ब्लैक रंग का लिबास पहन रखा होता था वो लिबास उसने चेंज कर दिया। नाउ शी इज वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ ग्रीन कलर, और उसके चलना, उसकी चाल जो है वो ज़्यादा फ्लूइड है, यानी कि वो ज़्यादा नॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो लिविनिया की आवाज़ लगाने पे ऑरेंज जो है वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, अब आप रिकॉल करें कि क्रिस्टीन ने लिविनिया पे इल्ज़ाम लगाया था कि दैट यू वांटेड टू रिप्लेस मी एज वाइफ टू योर फादर एंड एज मदर टू माई सन। अब एग्जैक्टली इस वक्त उसने यही किया है कि वो ऑरेन
की माँ बन चुकी है, यानी कि ऑरेन जो है उसके इशारों पे नाच रहा है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे जो है वो ऑरेन वैसा ही कर रहा है। ऑरेन की हालत इम्प्रूव नहीं हुई, ऑरेन की हालत जो है वो रादर उसके ऊपर ऑपोजिट इफेक्ट हुआ है। ही हैज लॉस्ट हिज वेट और ऐसे चल रहा है कि जैसे कोई ढांचा चलता हो, ठीक है। दाढ़ी भी उसकी उगाई है और शक्ल उसकी अपने वालिद से मिलती है मोर देन एवर, और चेहरे पे उसके तासुरात ऐसे हैं कि जैसे लाइफलेस किस्म के एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि वो ज़िंदगी से जो है वो दिलचस्पी ज़िंदगी के अंदर उसकी जैसे ख़त्म हो चुकी हो। दिखाई ऐसे देता है कि ही इज़ अफ्रेड टू गो इन टू दी हाउस, और लिविनिया जो है उससे सवाल करती है कि क्या तुम घर के अंदर जा सकते हो, और उसके साथ ये भी कहती है कि दिस इज़ द टेस्ट, कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। तो अब वो ड्यूटीफुली जैसे के गुलाम होता है, वो वैसे वैसे लिविनिया के पीछे चल रहा है, और वो एग्री करता है उसके साथ कि देर आर नो गोस्ट इन द हाउस। जब ऑरेन घर के अंदर एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, वहां पे रुक जाता है, थोड़ा सा कपकपाता है, और वो ये कहता है कि दिस वाज द लास्ट पॉइंट वेयर आई सॉ माय मदर क्रिस्टीन अलाइव। तो लिविनिया उसे कहती है भूल जाओ, दैट इज ऑल द पास्ट एंड इज फिनिश्ड, द डेड हैव फॉरगॉटन अस एंड वी हैव फॉरगॉटन देम, कि हम उनको भूल चुके हैं, अब हम उनके बारे में मजीद गुफ्तगू नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो सीन है वो सिटिंग रूम के अंदर पेश आता है, जहाँ पे जो एंसेस्टर्स हैं उनके उनके बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, और इन कहता है कि मुझे यकीन था कि जब मैं घर आऊँगा तो वालदा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन वो इंतज़ार नहीं कर रही, शी इजेंट हेयर। तो लिविनिया उसे डांट देती है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे माँ डांटती है कि तुम इंसान बन जाओ और नॉर्मल बिहेव करो पीटर और हेजल के सामने। तो वो माफ़ी मांगता है लिविनिया से कि जैसे लिविनिया उसकी वालदा हो, और वो ये कहता है कि लिविनिया इज़ ऑल ही हैज़ इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ लिविनिया रह गई है और लिविनिया के अलावा आई हैव नो वन एल्स। लिविनिया मीनवाइल उसे ये भी कहती है कि पीटर और हेजल की दोस्ती जो है ये हमें हमारे सदमे के ऊपर काबू पाने में हमारी हेल्प करेगी, और ये कि हमें मोहब्बत करने का हक हासिल है, हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं और हम पीटर और हेजल से मोहब्बत कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेंज जो है वो ये कहता है कि ही हैज सीन हर सिस्टर चेंज इन टू हिज मदर, कि ये मेरी बहन जो है ये मेरी माँ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और ये मुझसे सवाल करती है कि डू आई लुक एज प्रीटी एज क्रिस्टीन, कि मैं तुम्हारी माँ की तरह खूबसूरत दिखाई देती हूँ या नहीं। तो वो ये कहता है कि इसकी रूह बदल चुकी है, यानी कि क्रिस्टीन की डेथ हुई है तो उसकी रूह जो है वो इसके अंदर दाखिल हो चुकी है। अब ये अगेन ऑरेंज जो है उसका साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो ऐसा है कि ही हैज स्टार्टेड टू बिलीव इन द गोस्ट, ठीक है। दोबारा लिविनिया उसे कहती है कि भाई यू आर नॉट गिल्टी एंड ट्राई टू बी हैप्पी, कि हम आइलैंड्स गए थे उन आइलैंड्स पे जिनको कैप्टन एडम ब्रांड ने मेंशन किया था, और वहाँ पे तुमने मुझे खुद बताया कि तुम्हारी हालत अच्छी है, यू आर डूइंग मच बेटर। तो लिविनिया उसे ये भी बताती है कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ योर मदर, ये उसका अपना फॉल्ट था कि उसने एजरा को मारा, उसने अफेयर चलाया कैप्टन एडम के साथ, और इवन के एडम के मरने के बाद भी वो जिंदा रह सकती थी, लेकिन उसकी अपनी चॉइस थी कि उसने अपनी जान ले ली, ठीक है। ऑरेंज जो है वो एग्री करता है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लिविनिया उसकी माँ का रोल इख्तियार कर चुकी है, और लिविनिया उसे इनक्रेज करती है कि फर्नीचर के ऊपर से जो कवर्स पड़े हैं उनको हटाओ ताकि हम अपने घर को जो है वो दोबारा से बसा सकें। मीनवाइल पीटर जो है वो वापस आता है और वो लिविनियम को घूर के देखता है, वो ऐसा कहने लगता है कि तुम बिल्कुल क्रिस्टीन की तरह दिखाई देती हो, लेकिन रुक जाता है, और वो ये कहता है कि तुम खूबसूरत दिखाई देती हो अपने नए रंगीन कपड़ों के अंदर। अभी भी उसकी दिलचस्पी है कि वो लिविनिया से शादी करे, लेकिन लिविनिया ऑन दी अदर हैंड उसने वालदा का रोल इख्तियार कर लिया है, ठीक है। शी इज़ लविंग यू नो ऑरेन द वे क्रिस्टीन यूज टू लव हिम।
टीचर मीनवाइल गुफ्तगू करने की कोशिश करता है ओरिन से, और ओरिन उसे बताता है कि दे हैव विजिटेड हिज आइलैंड्स की, यानी कि वो जजायर की जिस पे जाने की ख्वाहिश ओरिन की थी, लेकिन वो कहता है कि उन जजायर पे जाके मुझे पता चला कि दीज आर नॉट माई आइलैंड्स, रादर दे बिलोंग टू लिविनिया, क्योंकि लिविनिया जो थी शी हैज़ बीन हैप्पी देयर विद दी नेकेड नेटिव्स, क्योंकि मतलब के बाद जजायर हैं जहाँ पे ये रवायात हैं कि वो लिबास नहीं पहनते या फिर पत्तों के अंदर अभी भी आजकल इस दौर में भी। तो लिविनिया जो है वो इस बात पे गुस्सा करती है, शीज अपॉल्ड, हैरान हो जाती है कि ये तुमने ऐसी बात क्यों की, तुम्हें पीटर के सामने ऐसी बात पर्टिकुलरली नहीं करनी चाहिए थी। और इनके जाने के बाद पीटर जो है वो तसल्ली देता है लिविनिया को, तसल्ली किस चीज़ की देता है कि भाई उम्मीद है कि ओरिन जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद उनकी डिस्कशन चेंज होती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो। पीटर कहता है यस आई डू, तो वो फिर आइलैंड्स के बारे में बताती है, और उसे बताती है कि आइलैंड्स पे जा के एक किस तरीके से नेटिव्स जो थे उन्होंने इसकी हेल्प की कि वो अपने सदमे से बाहर आए, और उसके बाद वो उसके जहन में ये ख्याल आता है कि अगर वो पीटर से शादी कर लेगी तो शी विल हैव टू लीव ऑरेन। अब ऑरेन की वो माँ का जो रोल है वो इख्तियार कर चुकी है, वो ऑरेन को भी नहीं छोड़ना चाहती, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो अपने वालिद को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और ही हैज़ बीन मेलनकॉलिक, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, तो वो पीटर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम हेजल से कहो कि वो इसके साथ एक रिलेशन कायम करे, और जो भी कहता है इसकी ख्वाहिशात को वो पूरा करे। तो पीटर कहता है मैं हेजल से बात करूंगा। नाउ दे स्टार्टेड किसिंग, और जैसे वो किस करते हैं तो इतने में ओरेन और हेजल दाखिल होते हैं। अब ओरेन का जो रिएक्शन है अगेन कि ही से सो दैट्स इट, कि अच्छा कि अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, कि तुम मतलब किसे शादी करने जा रही हो, बाय गॉड। उसके बाद फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं, ही शुडेंट बी टॉकिंग दिस वे, और देन वो कहता है कि नहीं मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वो कहता है कि मुझे खुशी है। लेकिन लिविनिया की जो आंखें हैं वो खौफ से भर जाती हैं, उसको पता चल जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। एक्ट नंबर टू जो है द हंटेड का, ऑरेन मेनन जो है वो एज़रा मेनन की स्टडी रूम में है, वो पोर्ट्रेट्स जो हैं उनसे बातें कर रहा है, ठीक है, और वो ये कहता है कि अगर हमारे हमसायों को पता चले कि हमारे ख़ानदान ने क्या क्या किया है तो वो हमारे बारे में क्या बातें करेंगे अगर उनको पूरी सच्चाई पता चल जाए। इतने में लिविनिया दाखिल होती है, और लिविनिया ऊपर से तो पुरसकून है लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। उसे पता है कि ऑरेंज जो है ही इज़ नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ हिज माइंड, तो वो उसे सवाल करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ लॉ एंड लॉ ऑफ द क्राइम एंड पनिशमेंट, कि जो हमने जराइम सरजद किए हैं उनकी सजाएं क्या हो सकती हैं। लिविनिया उसको पुरसकून करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि लेकिन ऑरेन उसे कहता है कि यू शुड लीव मी अलोन विद हेजल नाइल्स, आई वांट टू बी विद हेजल नाइल, आई डू नॉट वांट टू बी विद यू। तो लिविनिया उसे कहती है क्यों मैं तुम्हें इस वजह से अकेला नहीं छोड़ रही, बिकॉज ऑफ द वे यू आर एक्टिंग, कि मुझे ये खतरा है कि तुम सब कुछ हेजल को बता दोगे और ऐसे सबको हमारी हकीकत पता चल जाएगी। अब लिविनिया उसे कहती है कि तुम अभी भी अपनी माँ से कैसे मोहब्बत कर सकते हो, कि जबकि तुम्हें पता है कि उसने हमारे बाप का कत्ल किया, जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें भी छोड़ के कैप्टन एडम ब्रांड के साथ भाग जाना चाहती थी। ऑरेन कहता है कि वो तो जाना चाहती थी मुझे छोड़ के, ठीक है, लेकिन तुम भी तो मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू मैरी पीटर नाइल्स, और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी। तो वो ये कहता है कि लेकिन मैंने एक खत लिख दिया है, और बल्कि मैं एक खत लिख रहा हूँ, और ये खत तुम्हें पीटर नाइल्स के साथ शादी करने से रोकेगा। और वो कहता है कि मैं अपने ख़ानदान की हिस्ट्री भी लिख रहा हूँ, और ये मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ अपने बाप की रिक्वेस्ट पे, उसने रिक्वेस्ट की थी हिस्ट्री लिखो लेकिन वो हिस्ट्री को अप्रूव नहीं कर रहा था कि ये जो तुम लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, क्योंकि मैं सच्चाई लिख रहा हूँ। इसके बाद ऑरेंज जो है वो
लिविनिया पे इल्जामात लगाना शुरू कर देता है इमोडेस्टी के, खैर इखलाकी हरकतों। वो ये कहता है कि जब हम जहाज पे जा रहे थे आइलैंड्स पे, तो जो शिप का कैप्टन था उसके साथ तुमने फ्लिट करने के लिए अफसोस का वो जो लिबास था ब्लैक रंग का उसको उतारा, और तुमने रंगीन कपड़े पहन लिए ताकि तुम उसके साथ फ्लिट कर सको। और इसके अलावा वो ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि तुम अपने आप को जिस जजीरे पे हम गए थे वहाँ पे तुम अपने आप को उन मर्दों के सामने प्रेजेंट ऐसे कर रही थी, और मुझे लगता है कि तुम्हारा एक के साथ अफेयर भी था, तुमने एक वहाँ पे मर्द के साथ जो है वो लव अफेयर भी चलाया है। तो लिविनिया कहती है कि मुझे हक हासिल है अफेयर चलाने का, मुझे हक हासिल है मोहब्बत करने का, मेरी जो मर्जी मैं करूँ। तो वो यहाँ पे बड़ा वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, उसे कहता है कि तुम अपने अल्फाज वापस लो और ये फौरन कहो कि तुमने झूठ बोला है, और ये भी कहो कि कोई ईवल स्पिरिट है घर में कि जिसकी वजह से ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकले हैं, ये अल्फाज तुम्हारे नहीं हैं। अब ओरेन मेनन जो है वो हंसना शुरू कर देता है, वो ये कहता है अच्छा हमारे घर में तो घोस्ट हैं, और वो उसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि ये जो घोस्ट हैं जो कि भूत हैं तुम इनका मर्डर कर दो, और कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्लान करने में तुम्हारी मदद करूंगा, और यकीनन तुम पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा कि तुमने मर्डर किया। अब वो हॉरिफाइड है क्योंकि वो बेसिकली उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि यू हैव प्लान द मर्डर ऑफ माई वाइफ, कि तुम्हारी प्लानिंग की वजह से, सॉरी, जो मदर है क्रिस्टीन, उसने खुदकुशी की है। और वो उसे कहती है कि वी आर द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ अवर पेरेंट्स, यानी कि हमारी ज़िंदगी में और हमारे वालिदैन की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो उसे कहता है कि हम अपनी अपनी जो हिस्से के मेनन हैं, हम उनके साथ बंधे हुए हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, और हमारी ज़िंदगी वैसे ही गुजरेगी कि जैसे उनकी ज़िंदगी थी। तो वहाँ पे वो उसे कहती है तुम खामोश हो जाओ, तो वो ये कहता है कि और वो उसे ये भी कहती है कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ, इफ के बाद वो रुक जाती है। अब इफ के बाद उसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मरती हूँ, अगर मैं खुदकुशी करती हूँ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, लेकिन वो रुक जाती है, ये अल्फाज अदा नहीं करते। तो लेकिन वो उसके जुमले को कंप्लीट करता है, वो ये कहता है कि इफ ही विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ ही डाइज मिस्टीरियसली ऑफ अ हार्ट फेलियर, कि अगर कहीं खामोशी से रात को मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मतलब कि वो ये कहता है कि क्या तुम मुझे भी ऐसे ही जहर की गोलियां देके खामोशी से मार दोगी। तो वो चीखना शुरू कर देती है, उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है, और वो ये कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ कोई स्कीम बना रही हो, तो यू आर प्लॉटिंग समथिंग। और वो कहता है कि मैं तुम्हें पीटर के साथ कभी भी शादी करने नहीं दूंगा, और वो ये कहता है कि मैंने अपनी कन्फेशन जो है उसको किसी सेफ जगह पे रख दिया है, और अगर तुम पीटर के साथ शादी करने की कोशिश करोगी या अगर मेरी डेथ होती है तो ये कन्फेशन जो है इसको ओपन किया जाएगा। तो वो उसके सामने मिन्नतें करती है कि रुक जाओ, ऐसा ना करो, और उसके बाद उसके आंसू निकलना शुरू कर देते हैं। तो वो उसे कहता है कि द डैम डोंट क्राई, कि यानी कि हम लोग दोजखी हैं, हमने दोजख में जाना है, और जो लोग दोजखी होते हैं वो रोते नहीं हैं। वो तो उसे कहते हैं चली जाओ यहाँ से, और उसके बाद वो अपना पेन निकालता है और वो जो कन्फेशन उसने लिखनी है वो उसको लिखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक्ट नंबर टू का अख्तिताम होता है। अब हम अख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, ठीक है। एक्ट नंबर थ्री जो है ये एक्ट नंबर टू के अख्तितम के फौरन बाद शुरू होता है। लिविनिया जो है वो सिटिंग रूम के अंदर एंटर होती है जहाँ पे पोर्ट्रेट्स मैनन फैमिली के, मैनन के डेड जो हैं उनके पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, एंड शी इज थिंकिंग अलाउड अबाउट ओरेन, और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर हौसला क्यों नहीं है, कि जो काम हो चुका है, 1 साल गुजर चुका है, अब ये उसको बर्दाश्त करने का हौसला क्यों नहीं रखता। और वो अपने इजहार भाई से मोहब्बत करती है, वो उसने उसकी माँ का रोल भी इख्तियार कर रखा है, वो उसको सेव भी करना चाहती है। तो वो कुछ अनसीन फोर्सेस से, मतलब कि गॉड से या जो उनके डेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे को रास्ता दिखाओ कि मैं इसको किस तरीके से सेव कर सकूं।
और वो कहती है कि आई कैन नॉट बियर अनदर डेथ, कि एक और मौत अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने में सेथ जो है वो एंटर होता है और वो लिविनिया को इन्फॉर्म करता है कि देर एक जो फीमेल सर्वेंट है उसने शिकायत की है कि उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे सेलर यानी कि तहखाने के अंदर कोई भूत जो है वो रींग रहा हो। तो लिविनिया उस खातून से बात करने के लिए जाती है। इतने में हेजल और पीटर नाइल्स अगेन उनके घर आते हैं। पीटर जो है वो उसकी कोई मीटिंग है, उसने उधर जाना है, लेकिन हेजल जो है वो इधर ही रुकेगी। अब चूंकि जाना है उसने, लिविनिया भी गई है, तो अब ओरेन को मौका मिलता है कि वो हेजल से गुफ्तगू करे। मीन वाइल हेजल और पीटर जो है उनका ये यकीन है कि लिविनिया इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन ओरेन, और अगर ओरेन को ठीक करना है और अगर ओरेन को हमें बचाना है तो ओरेन को अपने घर बुलाना होगा, उसको हम कुछ दिन अपने साथ रखें। पीटर जो है वो हेजल की इस सजेशन से एग्री करता है कि हाँ, हमें ओरेन को जो है वो अपने पास बुला लेना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू पीटर के अगर ओरेन की मेंटल सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो उसके नतीजे में लिविनिया और मैं फिर हम शादी कर सकेंगे, अदरवाइज हमारी शादी होना जो है वो मुमकिन नहीं है। इतने में ओरेन जो है वो दाखिल होता है और पीटर उसे कहता है भाई आई हैव टू गो टू मीटिंग। ओरेन बड़ा खुश होता है क्योंकि उसने हेजल से गुफ्तगू करनी है। अब वो चूंकि हेजल के पास अकेला है तो ओरेन अपना जो लेटर है जो उसने लिखा है वो इनवेलप के अंदर वो हेजल को पकड़ा देता है। उसे कहता है कि अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं मरता हूँ और अगर लिविनिया कोशिश करती है पीटर से शादी करने की, तो तुमने ये लेटर पीटर के हवाले कर देना है, ठीक है। हेजल उसे कहती है कि मुझे पता है और पीटर को भी पता है कि लेटर के अंदर क्या लिखा है। तो वो ये कहता है कि मुझे लिविनिया ने बताया है जिस दिन क्रिस्टीन की डेथ हुई कि तुम्हारे आपस में आर्गुमेंट्स हुए माँ के साथ और तुम अपने आप को समझते हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी वालदा की डेथ हुई। तो ओरेन कहता है कि ठीक है, ये बात भी है, लेकिन जो कुछ भी हो, इन केस दिस हैपेंस कि मेरी मौत होती है या फिर अगर लिविनिया जो है वो पीटर से शादी करने की कोशिश करती है, तो तुमने ये लेटर फिर भी पीटर के हवाले करना है। हेजल जो है वो इनवाइट करती है ओरेन को कि तुम आओ और हमारे साथ रुको, और लेकिन वो ये कहता है कि लिविनिया मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। तो हेजल उससे कहती है दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लिविनिया। तो इतने में लिविनिया दाखिल होती है और लिविनिया और हेजल के आर्गुमेंट्स होते हैं और लिविनिया और हेजल की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। हेजल कहती है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू हैव एनी रिलेशनशिप और एनी फ्रेंडशिप विद यू। लिविनिया जो है वो मीन वाइल इनवेलप देखती है ओरेन के हाथों में, ठीक है, और वो ओरेन से कहती है कि तुम इनवेलप फ़ौरन वापस लो, और वो ओरेन से कहती है कि आई विल डू एनी थिंग ही वॉन्ट्स, कि जो कुछ भी तुम कहोगे मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, तुम ये इनवेलप वापस लो। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इसकी ऑफर और हेजल से कहता है कि ठीक है, इनवेलप वापस दे दो एंड आई हैव अ ब्रेकअप विद यू, आई डू नॉट वॉन्ट टू मैरी यू, और आइंदा तुम मुझसे मिलने मत आना, ठीक है। और वो हेजल को ये बताता है कि द मैन यू लव्ड वॉज किल्ड इन द वॉर, यानी कि जंग के अंदर तुम ये समझो कि मेरी मौत हो गई, मैं मर चुका हूँ, आई एम नो लॉन्गर अलाइव फॉर यू। हेजल के जाने के बाद ऑरेंज जो है वो एनवेलप लिविनिया को दे देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि जो तुमने मुझसे वादा किया है, मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम आइंदा कभी पीटर से मुलाकात नहीं करो, ठीक है। उसके बाद वो लस्टफुल आई से देखता है लिविनिया को। लिविनिया को समझ आ जाती है कि ये किस किन नज़रों से मुझे देख रहा है और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी ख्वाहिश क्या है। तो आर्गुमेंट ओरेन ये पेश करता है कि वो ये कहता है कि वी हैव मर्डर्ड अवर मदर, कि हम मतलब कि दोनों इसके अंदर बराबर के शरीक हैं और इस जुर्म के अंदर हम इक्वली हिस्सेदार हैं, एंड वी आर डेस्टिन टू रिप्लेस अवर पेरेंट्स, कि उनकी जगह अब हमने लेनी है, यानी कि तुमने अपना क्रिस्टीन की जगह लेनी है और मैंने एजरा मैनन की जगह लेनी है। और वो सही भी बताता है कि आई डू नॉट थिंक ऑफ यू एज माई सिस्टर, रादर आई थिंक ऑफ यू एज अ
स्ट्रेंजर, और वो उसके बालों को टच करना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि यू लुक लाइक मेरी ब्रेंटन, और उसकी आंखों में एक हॉरर है। और वो उसे कहता है कि तुम अब इकरार करो। इकरार क्या करो? कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन वो रिफ्यूज़ करती है, और वो ये कहती है कि देर इज़ नथिंग टू कन्फेस, ओनली जस्टिस, कि मेरे पास कन्फेस करने के लिए कुछ नहीं। जो कुछ हुआ वो इंसाफ हुआ, जो कुछ क्रिस्टीन के साथ हुआ वो इंसाफ था। तो ऑरेन उसे ये कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूँ। लिविनिया जो है, अब वो चूंकि उसकी माँ का रोल इख्तियार कर चुकी है, तो वो बिल्कुल उसको उसके साथ ऐसे ही बात करती है कि जैसे वो उसकी माँ हो। तो वो लिविनिया से भी ऐसे ही बात कर रहा है कि जैसे वो लिविनिया उसकी सिस्टर नहीं बल्कि उसकी वालदा क्रिस्टीन है। अब ये ईडिपल कम्प्लेक्स और वो जो जहन में वो सारी चीज़ें फ्राइड, और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ज़ाहिर है हम डिस्कस कर चुके हैं। प्ले की स्टोरी के बाद हम दोबारा उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? तो वही चीज़ें जो हैं वो इनके डायलॉग से और इनकी अप्रोच से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और इन अब बिल्कुल खुदकुशी के हिंट्स दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आई नो दैट माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी ऑन द लॉस्ट आईलैंड, और अकॉर्डिंग टू हिम दैट लॉस्ट आईलैंड इज़ द आईलैंड ऑफ द डेथ। और ये जो डेथ का आइलैंड है, वो ये कहता है कि बहुत ही पीसफुल किस्म का होता है। तो वो अपनी वालदा से माफ़ी मांगता है। वालदा से मुराद ये है कि वो लिविनिया से माफ़ी मांगता है। और वो ये कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें मोहब्बत मिली। मोहब्बत कैसे मिली? कि तुम्हें पीटर की सूरत में, या फिर वो जो नेटिव था जहाँ पे इन्होंने वक्त गुजारा है, उसके साथ भी लिविनिया का अफेयर था, ठीक है? अचानक जो है उसको ये महसूस होना शुरू कर देता है कि उसकी वालदा घर में है। शी इज़ इन द हाउस एंड शी इज़ वेटिंग टू टेक हिम होम। पीटर जो है वो अपने रूम में आता है, ठीक है? और ओरेन उसे टकरा के मतलब गुजरता है, उसे कहता है कि मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ और मैं अपने पिस्टल्स जो है उनको साफ करना चाहता हूँ। लिविनिया जो है वो पीटर को गले लगाती है। पीटर जो है वो ओरेन के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और ऑफर करता है कि मैं इसे पिस्तौल छीन लेता हूँ। लेकिन लिविनिया और बातें कर रही है। वो उसे कहती है कि इट विल बी वंडरफुल इफ वी आर टुगेदर, कि हम इकट्ठे हो जाएं, हमारी शादी हो जाए। अचानक इतने में गोली चलने की आवाज़ आती है। पीटर भाग के जाता है और लिविनिया चीखती है कि ओरेन फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो यानी कि ओरेन जो है उसने भी खुदकुशी कर ली है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अगर आप प्ले का सिनेरियो देखें, तो लिविनिया जो है उसका पूरा किरदार है कि वो ओरेन को शी इज पुशिंग टू हिम टूवर्ड द सुसाइड। और वो जो इनवेलप था उसके हाथ में, जो कि ओरेन ने दिया था, वो छुपा देती है। और वो देखती है कि जितने भी उसके फैमिली के पोर्ट्रेट्स हैं, वो सबकी नज़रें लिविनिया पे हैं। तो वो कहती है कि वाई डू यू लुक एट मी लाइक दैट, वाजंट इट द ओनली वे टू कीप योर सीक्रेट टू, कि क्या ये वाहिद रास्ता नहीं था कि तुम्हारा सीक्रेट भी महफूज रहे? कि अगर वो रिलेशनशिप उससे कायम कर लेती, तो ऑरेंज जो था, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी, आज या कल उसने ये सीक्रेट रिवील कर देना था। नाउ बिकॉज शी लव्ड हर फादर, और वो जितनी भी फैमिली है वो उससे मोहब्बत करती है, और वो ख़ानदान की इज्जत बचाना चाहती है, सो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो ऑरेंज को खुदकुशी करने देती। ये एक ही रास्ता था कि इस तरीके से खानदान के जो सीक्रेट्स से उनको बचाया जा सकता था। और वो ये कहती है कि बस बहुत हो चुका, कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, क्रिस्टीन की बेटी हूँ, एंड आई विल लिव इन द स्पिरिट ऑफ दैम, कि मैं इसी घर में रहूँगी और मैं हंसी खुशी रहूँगी। फाइनल एक्ट है जी द हंटेड का, और द हंटेड के फाइनल एक्ट में सेथ बैकविक, जो कि उनका गार्डनर है मैनन फैमिली का, वो हमें दिखाई देता है। ही इज़ अगेन सिंगिंग द सॉन्ग, जो कि थीम सॉन्ग है प्ले का, शेनन्डोहा इन फ्रंट ऑफ द मैनन हाउस। फ्यूनरल जो है ओरेन का वो हो चुका है, और लिविनिया अभी तक फूल इकट्ठे कर रही है। वो दाखिल होती है घर के अंदर, उसने ब्लैक रंग का लिबास पहन रखा है, एंड शी लुक्स लाइक द वे शी लुक लाइक इन द फर्स्ट प्ले द होम कमिंग, ठीक है? अगली बदनुमा दिखाई दे रही है। जो उसके हाथ में फ्लावर्स हैं, वो उनको सेथ के हवाले करती है, और वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें सोफ़ा ला के दूँ? क्यों? क्योंकि घर के अंदर जाके सोना जो है वो मुनासिब
मुश्किल है तो लिहाजा तुम यहाँ पे सोफा डाल के सो जाओ। लिविनिया उसे कहती है कि शी इज़ वेटिंग फॉर पीटर नाइल्स, और उसने प्लान कर रखा है, इरादा कर रखा है कि उसे शादी करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी हमेशा के लिए, क्योंकि इस घर में मैनन फैमिली के गोस्ट जो हैं, उनकी रूहें जो हैं, वो बसेरा कर रही हैं। तो हेजल नाइल्स आती है, वो लिविनिया से कहती है कि मुझे पता है कि ओरिन की डेथ जो है वो एक्सीडेंट नहीं था, वो उसने सुसाइड की है, और उसने सुसाइड पे उसको तो तुमने मजबूर किया है। और वो लिविनिया से रिक्वेस्ट करती है कि तुम पीटर से शादी ना करो, क्यों? क्योंकि पीटर ऑलरेडी उदास है, और तुम्हारे इन्फ्लुएंस के अंदर उसने अपनी माँ से भी रात को लड़ाई की है, जो कि उसने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। और वो ये कहती है कि पीटर अपनी अपनी जान ले लेगा, खुदकुशी कर लेगा अगर उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया। तो लिविनिया उसे कहती है तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? हेजल कहती है मुझे सच्चाई का नहीं पता, लेकिन तुम जानती हो। लिविनिया उसे कहती है यहाँ से चली जाओ। हेजल उसे कहती है कि तुम्हें जो खत दिया था ओरेन ने, वो खत तुम पीटर को दे दो, ताकि वो खत खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों से पढ़ ले उसको। लिविनिया इनकार करती है कि नहीं, मैं खत उसके हवाले नहीं करूंगी। तो हेजल कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो है, तुम्हारा जो जहन है, तुम्हारा जो ज़मीर है, यकीनन तुम्हें ठीक रास्ते पे लेके जाएगा। और वो ये भी कहती है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे। लिविनिया कहती है कि शी इज़ंट सीकिंग द गॉड्स फॉरगिवनेस, शी फॉरगिव्स हरसेल्फ, कि मैं मुझे खुदा की माफ़ी नहीं चाहिए, रादर मैं अपने आप को खुद माफ़ करूंगी। मीनवाइल पीटर नाइल्स जो है वो दाखिल होता है लविनिया, और उसने अपना फ्यूचर प्लान कर रखा है। प्लान उनका ये है कि हम शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। पीटर उसे कहता है कि मेरी वालदा और मेरी सिस्टर नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन जो उनके नोशंस हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, वो अनसाइंटिफिक नेचर के हैं, और यकीनन मैं उनके ऊपर काबू पा लूँगा और हमारे बीच में कुछ भी नहीं आएगा। लिविनिया उसे कहती है तुम अभी मुझसे शादी करो। पीटर उसे कहता है कि क्या वो जो खत था ओरेन का, उसमें कुछ ऐसा था कि जिसको मुझे जानने की ज़रूरत है? लिविनिया कहती है नहीं, देर इज़ नथिंग इन इट। लिविनिया उसको गले लगाती है और उसे कहती है कि शी डज नॉट वॉन्ट टू वेट, कि अब मुझे मज़ीद इंतज़ार नहीं करना, मुझे तुमसे शादी करनी है, और अब मेरे लिए ये एक खुशी का लम्हा है। उसको किस करने की रिक्वेस्ट करती है, उसे अपने नज़दीक लाती है, और वो ये चाहती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करो कि अगर तुम्हें किसी शख्स को मेरे लिए मर्डर करना पड़े तो तुम उसको मर्डर भी कर दो मेरे लिए। और वो ये सारी बातें उसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से मोहब्बत करनी चाहिए, इस तरीके से मोहब्बत करनी चाहिए। फिर वो पीटर को किस करती है, और जब वो उसको किस करती है तो उसके मुंह से अल्फाज अनकॉन्शियसली निकलते हैं। वो कहती है टेक मी एडम। अब ये अल्फाज जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जो एडम था, एडम एजरा के भाई का बेटा था, ठीक है, एजरा जो कि लिविनिया का वालिद था। एडम की शक्ल एजरा मैनन से मिलती थी और एडम की शक्ल ओरेन से मिलती थी। अब लिविनिया चूंकि इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का शिकार है, शी वांट्स अ रिलेशनशिप विद हर फादर, तो दैट इज़ वाई एडम जो है वो उसके जहन से निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो एडम से शादी करना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एडम का चेहरा जो है वो उसके वालिद से मिलता है। तो वो जो इनहेरेंट उसका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ऑफ हैविंग रिलेशनशिप विद हर फादर, वो अनकॉन्शियसली उसके जहन से, उसके मुंह से ये अल्फाज निकल जाते हैं। जब ये अल्फाज निकलते हैं तो वो उसे दूर हट जाती है, और उसे कहती है कि द डेड आर ऑलवेज बिटवीन, के वो लोग जो कि मर चुके हैं वो जिंदा लोगों के रिलेशंस के बीच में हमेशा रहेंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे। और उससे कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो सवाल करता है कि वाई? तो अब कि जाहिर है उसने झूठ बोलना है ना, कि वो नहीं चाहती कि जो उसकी इंटरनल साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो रिवील हों, उनके फैमिली के सीक्रेट्स रिवील हों। तो वो उससे कहती है कि जो जब हम जजायर पे गए थे तो वहाँ का जो नेटिव चीफ था, मैंने उसके साथ रिलेशन कायम किया था, और मैं मुझे उससे मोहब्बत है, लिहाजा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो ये अल्फाज सुनने के बाद पीटर वहाँ से भाग जाता है, और वो ये कहता है कि मैं ये तवक्कु करता हूँ कि तुम्हें सज़ा मिले। क्यों? क्योंकि पीटर जो है वो लिविनिया से मोहब्बत करता था, और
ही थॉट कि लिविनिया अपने आप को उसके लिए बचा के रखेगी। अब जबकि लिविनिया ने ये रिवील किया कि आई हैव बीन इन रिलेशनशिप विद द नेटिव चीफ के, एक साल के लिए मेरा उसे रिलेशन रहा है, तो वो जाहिर है उसे हट गया। अब वो उसे कह दिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उसको गुड बाय भी कहती है कि अल्लाह हाफिज़, लेकिन जाहिर है उसने नहीं सुना। इतने में हमें सेथ की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, शैनन डोहा का सॉन्ग दोबारा गा रहा है, ठीक है, और उसमें लाइन आती है कि आई एम बीइंग बाउंड अवे, यानी कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। तो लिविनिया कहती है दैट आई एम नॉट बाउंड अवे, नॉट नाउ सेथ, आई एम बाउंड हेयर, कि मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकती, मेरा इस घर के साथ ताल्लुक है, मेरा इस घर के साथ रिश्ता है, मैं इस घर के साथ जुड़ चुकी हूँ, और जो हमारे मैनन डेड हैं उनके साथ मैं जुड़ चुकी हूँ। तो वो ये कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, आई एम गोइंग इनसाइड, और उसे कहती है बोर्ड ऑफ द हाउस। बोर्ड ऑफ द हाउस का मतलब क्या है कि घर को बाहर से कील लगा के दरवाजे बंद कर दो, कि ना को बाहर से अंदर आए और ना को अंदर से बाहर जाए। यहाँ पे प्ले का अख्तिताम होता है, यानी कि वो ब्लैक ड्रेस में वो अपने घर चली जाती है और वो अब हमेशा पूरी जिंदगी के लिए अफसोस करेगी, पूरी जिंदगी जो है वो अपनी अफसोस करते हुए गुजार देगी, मैनन्स के लिए, एजरा मैनन के लिए, क्रिस्टीन मैनन के लिए, और अपने भाई ऑरेन मैनन के लिए। यहाँ पे प्ले का जो है वो इख्तिताम होता है। बड़ा खूबसूरत साइकोलॉजिकल जो है वो इसके अंदर डिपिक्शन की गई है, जो इंटरनल थॉट्स होती हैं, जो इंटरनल इमोशंस होती हैं, ईडिपस कम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, इस हवाले से अहम टॉपिक्स हैं, ठीक है, और इनको हम इस प्ले के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी ऑलरेडी नो दैट मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इज अ प्ले ऑफ द मॉडर्न एज, इट इज अ मॉडर्न प्ले, वी आर स्टडिंग इट इज मॉडर्न ड्रामा, सो द मेन करेक्टरिस्टिक एंड द फीचर ऑफ द मॉडर्न प्लेज इज रियलिज्म। सो रियलिज्म जो है, आपको पता है कि एक रियलिस्टिक किस्म की सिचुएशन जो होती है जिसमें ऑर्डिनरी करेक्टर्स होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके ड्रेसेस जो है वो भी ऑर्डिनरी और मतलब के कॉमन प्लेस होते हैं, सेटिंग जो है वो ऐसी यूज़ होती है जो कि रियल लाइफ में जिस तरीके से घर आपको नज़र आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा रियलिज्म जो है वो हमें साइकोलॉजिकल इनसाइट्स जो है वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और प्लॉट जो है वो सेकेंडरी होता है, और जो करेक्टर्स हैं, जो करेक्टर्स की थॉट्स हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं, ठीक है। तो यूजीनो नील के हवाले से जो एक और फैक्टर जो कि इसके प्ले को रियलिस्टिक बनाता है, बल्कि इसके सारे प्लेस को रियलिस्टिक बनाता है, वो ये है कि इसने अमेरिकन वर्नैकुलर का यूज़ किया, यानी कि जो कलोकियल लैंग्वेज थी, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ज़बान थी, उस लैंग्वेज को इसने अपने प्ले के अंदर यूज़ किया, और वही डायलैक्ट जो है जो कि ऑर्डिनरी लोग उसके इलाके में बोलते थे, उसी डायलैक्ट के अंदर उसने अपने प्लेज लिखे, और उसका फोकस ऐसे किरदारों पे है जो कि माशरे की जानिब से मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, कि माशरा उनको मार्जिनलाइज उसने, माशरे ने करके रखा है। इसके अलावा उसके जनरल प्लेज जो हैं वो जो उनके थीम्स हैं वो प्रोस्टिट्यूशन, एडल्ट्री, इंसेस्ट, एल्कोहलिज्म, इसके अलावा वो लोग जो कि उम्मीद रखते हैं कि एक स्टेज पे उनकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, तो इस टाइप के इसके थीम्स हैं, और इंसेस्ट का जो थीम है वो हमें मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के अंदर दिखाई देता है, और ऑब्वियसली फिर इंसेस्ट के साथ जो ईडिपल कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है वो उसके साथ एसोसिएटेड है। अब हालांकि ये प्ले जो है इसके ओरिजिन जो है वो मतलब ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको हम रियलिस्टिक प्ले कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि किरदार जो हैं, जो उनकी बुनियादी डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर्स ऐसी हैं जो कि हर एक इंसान की होती हैं, ठीक है। क्रिस्टीन की अगर आप साइकोलॉजिकली उसको देखें तो शी इज़ अ वुमन हु डिज़ायर्स टू बी लव्ड, तो हर एक औरत की ख्वाहिश होती है कि उस ऐसा कोई हो जो कि उसे लव करे, जो कि उसे मोहब्बत करे, तो क्रिस्टीन की ये डिज़ायर के, अब ज़ाहिर एज़रा मेनन जो है ही हैज़ बीन एबसेंट, ही हैज़ बीन ऑन वॉर फॉर 4 to 5 years, एंड ही वॉज़ अ हार्श हस्बैंड, सख्त नेचर का था, तो इस वजह से एज़रा के साथ उसका रिलेशन नहीं है, और वो जो उसकी डिज़ायर है टू बी लव्ड, अब ये जो गैप था लव का, ये उसने फिल कर रखा था ऑरिन की प्रेजेंस से, ऑरिन के जाने के बाद
नाउ शी नीडेड अनदर लवर, सो वो एक लव अफेयर बनाती है एडम ब्रांड के साथ ताकि उस गैप को फिल किया जा सके। ऑन द अदर एंड जब एजरा मेनन वापस आता है आफ्टर 4 to 5 ईयर्स, तो अगेन उसकी भी ख्वाहिश है कि उसकी वाइफ जो है उसको लव करे, और वो ये कहता है कि आई वॉन्ट द थिंग्स टू बी नॉर्मल, कि वो भी एज अ ह्यूमन बींग अपने आप को प्रजेंट करता है कि जिसकी ख्वाहिश है टू बी लव्ड। सिमिलरली लिविनिया जो है शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी लव्ड, ऑरेंज जो है ही वॉन्ट्स टू बी लव्ड, और उस जब वो को जब लिविनिया की जानब से वो लव नहीं मिलता तो वो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो है वो खुदकुशी कर लेता है। इसी तरीके से हमें हेजल दिखाई देती है, तो हेजल जो है वो ऑरेंज की चाहे जैसी भी कंडीशन है शी इज़ इन लव विद हिम। पीटर है तो उसको पता है कि लिविनिया किस नेचर की खातून है, कितनी डोमिनेटिंग है, कितनी कंट्रोलिंग है। इसके बावजूद वो अपनी माँ से लड़ता है, अपनी बहन से लड़ता है दैट आई वॉन्ट टू लव हर एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर। तो लव जो है ये हर एक बंदे की नेचर के अंदर होता है, उसकी नीड होती है, तो इस वजह से यहाँ से एक हमें रियलिज्म का फैक्टर दिखाई देता है। दूसरा जो फैक्टर है कि हर एक बंदा जो है वो अवेंजफुल या फिर वेंजफुल नेचर का होता है, कि अगर कोई उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उसका बदला लेने की ख्वाहिश रखता है। ठीक है, सिमिलरली हमें इस प्ले के अंदर जो है वो रिवेंज दिखाई देता है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडम जो एजरा मेनन है उसका मर्डर, उसमें एडम का रोल जो इंस्ट्रूमेंटल है वो ज़रा रिवेंज लेना चाहता था, फिर एडम का मर्डर ऑरिन के हाथों, कि वो उसे रिवेंज लेना चाहता था कि यू हैव मर्डर्ड माई फादर एंड यू हैव स्नैच द लव ऑफ माई मदर फ्रॉम मी, आई वॉन्ट इट टू बी इन योर प्लेस, दैट वॉज माई प्लेस दैट यू हैव टेकन। ठीक है, तो इस वजह से अब जब वो अपनी माँ को मार ले, जो क्रिस्टीन है उसके बाद वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो खुदकुशी कर लेती है। अब ऑरिन के लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है कि मेरी वजह से, मेरे उस एक्ट की वजह से, एक तो मैंने एडम को मारा, दूसरा ये कि उस एक्ट की वजह से क्रिस्टीन की डेथ होगी। तो वो फिर उसके रिवेंज का तरीका कार ये है कि वो खुदकुशी कर लेता है। ठीक है, सो ये जो दोनों इमोशंस हैं, इमोशंस ऑफ लव एंड रिवेंज, जो कि पूरे प्ले के अंदर डोमिनेट करते हैं, इन इमोशंस के ज़रिए रियलिज्म जो है वो मतलब कि पोर्ट्रे किया गया। इसके अलावा हमें रियलिस्टिक किस्म के करेक्टर मतलब कि गॉसिप्स करते हुए, आपको पता ही है गली मोहल्ले में लोग हमेशा लोगों के बारे में प्रिडिक्ट करते रहते हैं, तो वो लोग भी हमें दिखाई देते हैं। लिविनिया जो है उसकी ड्रेसिंग वगैरह देख लें तो वो ज़्यादातर ऐसे उजड़े किस्म के कपड़ों में रहती है, थोड़ा सा टाइम पीरियड उसे हमें खुश लिबास जो है वो मतलब कि दिखाया गया है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं दे कंट्रीब्यूट एंड दे मेक मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा अ रियलिस्ट प्ले। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू हैव लुक एट द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ईडिपस कम्प्लेक्स। यू ऑलरेडी नो ईडिपस कम्प्लेक्स जो है इसका नाम कहाँ से निकला है, जो ग्रीक मिथ है, ग्रीक लेजेंड है ईडिपस रेक्स का, जहाँ पे वो अपने फादर को अननोइंगली मर्डर करता है, अपनी मदर से शादी कर लेता है। ठीक है, सो ईडिपस कम्प्लेक्स उस डिज़ायर का नाम है कि जिसमें अपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ चिल्ड्रन जो हैं वो रिलेशन कायम करना चाहते हैं ऑफ सेक्शुअल नेचर। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ जो है वो राइवलरी होती है बिटवीन द सेम सेक्स चाइल्ड एंड पेरेंट। ठीक है, कि लड़कों की ख्वाहिश होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, ठीक है, कि गर्ल्स की ये ख्वाहिश है कि वो अपने वालिद के साथ रिलेशनशिप कायम करें, इसी तरीके से बॉयज़ जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप कायम करें। अब ये ख्वाहिश बचपन में होती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, और जो एक नेचुरल फैमिली इन्वायरमेंट होता है उसमें जिसमें वालिद भी और वालदा भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जब बच्चे 8, 10, 12 साल के होते हैं तो वो अपनी इस ख्वाहिश को रिप्रेस कर लेते हैं, इस ख्वाहिश को दबा लेते हैं कहीं पीछे अपनी सब कॉन्शियसनेस में, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेम सेक्स पेरेंट के साथ, यानी कि लड़का है तो वो अपने आप को अपने वालिद के साथ आइडेंटिफाई करेगा, वो वालिद की जगह लेना चाहेगा, वो वालिद जैसे काम करना चाहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ख्वाहिश होती है टू हैव रिलेशनशिप विद दी अपोजिट सेक्स पेरेंट वो रिप्रेस हो जाती है जब बच्चा अपने आप को अपने वालिदैन के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है। हाउ एवर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड के अगर
बच्चा अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं होती, इसकी रीज़न जो सिगमंड फ्राइड है वो हमें ये देता है कि ये उन फैमिलीज़ में, जिन फैमिलीज़ में ट्रॉमेटिक किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि वालिद जो है वो अपने अपने बेटों को मार रहा है, बच्चों के बीच में और वालिद के बीच में नफरत है, तो जब नफरत कायम होती है तो वो बच्चे अपने आप को अपने वालिद के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ऐसी सूरत में ये जो ईडीपस कम्प्लेक्स होता है, यानी कि टू हैव रिलेशनशिप विद अ मदर, ये फिर बचपने से निकल के जवानी में भी आ जाता है। तो ऑरिन मेनन जो है वो इसी किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर उसकी परवरिश हुई है, ठीक है, और उसका ईडीपस कम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेस नहीं हुआ, रादर वो एडल्टहुड के अंदर भी आ गया, ठीक है। वो अपनी माँ के साथ ऑब्सेस्ड है, और हर वो मर्द जो कि उसकी माँ के साथ रिलेशन कायम करता है, जो कि उसके साथ मिलना जुलना है, जिसके साथ उसको मोहब्बत है, इंक्लूडिंग इज ऑन फादर एज़रा मेनन, उसको उससे नफरत है। ही डिसलाइक्स एज़रा मेनन एंड ही डिसलाइक्स एडम ब्रैंड, बोथ ऑफ देम। और जब उसे पता चलता है कि एडम के साथ माँ का रिलेशन है, तो वो फौरन गुस्से में आता है, मर्डरस किस्म का रेज होता है, और उस रेज में वो फौरन ही एडम का मर्डर कर देता है। अब ये चीज़ प्ले के अंदर स्टेट नहीं की गई डायलॉग्स के जरिए, लेकिन अगर आप इंटरप्रिटेशन में जाएं फ्राइडियन पर्सपेक्टिव में, तो उसके मर्डर का प्राइमरी रीज़न ये है कि वो ये समझता है कि अगर मैं एडम को मार दूंगा तो फिर वालदा की टेंशन दोबारा मेरी जानेब आ जाएगी, एंड आई विल बी हर बॉय, ठीक है। तो उसके जब जब वालदा की भी डेथ हो जाती है, तो देन अब उसको अपनी सिस्टर में वालदा का इमेज नज़र आता है, तो वो वही रिलेशन जो कि अपनी माँ से कायम करना चाहता है। आप आखिरी एक्ट में देखें जो उसके डायलॉग्स हैं, तो वो उन्हीं नज़रों से लिविनिया को देखना शुरू कर देता है कि अब मैं क्योंकि ये रिजेंबल करती है मदर से, और ये मदर की तरह मुझे ट्रीट भी कर रही है, तो मैं इसके साथ वही रिलेशनशिप कायम करूं जो कि मैं क्रिस्टीन के साथ करना चाहता था। तो ऑरेन मेनन जो है, इसका अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो नॉर्मल नेचर का रिलेशन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसके फादर जो थे वो हार्श किस्म के आदमी थे, और इतने हार्श थे कि वो उस 15-16 साल के लड़के को जंग पे लेके चले गए, ताकि ये मर्द बन के निकले, कहते हैं मर्द बन, तो वो उसको मर्द बनाना चाहते थे, एक हार्श सख्त किस्म का आदमी बनाना चाहते थे, और उसके लिए सख्तियाँ करनी पड़ती हैं, और जब आप ज़्यादा सख्ती करते हैं तो फिर आपका हेट्रिड का रिलेशन बन जाता है आपके बच्चों के साथ, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड क्रिस्टीन जो है, उसको अपने हस्बैंड से नफरत थी, और उस नफरत की वजह से एक गैप पैदा हो गया, ठीक है, और वो गैप जो था ऑफ गैप टू लव एंड गैप टू बी लव्ड, वो गैप वो ऑरिन मेनन से फिल करती थी, यानी कि अपने बच्चे को एक्सेसिव प्यार करती थी, और उसके बदले में वो बच्चा ऑरिन जो था वो भी उसे प्यार करता था, उसके बालों में कंघी फेरता था, हाथ फेरता रहता था, सॉर्ट ऑफ दिस टाइप की चीज, ठीक है। सो इस तरीके से जो ईडिपस कम्प्लेक्स है वो इस प्ले के अंदर हमें डिपिक्ट होता दिखाई देता है। इसके बाद इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का आइडिया है। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो है ये फीमेल इक्विलेंट है ईडिपस कम्प्लेक्स का, कि जैसे मेल चाइल्ड जो है वो अपनी मदर के साथ रिलेशन कायम करना चाहता है, इसी तरीके से जो फीमेल चाइल्ड है शी वॉन्ट्स टू हैव रिलेशनशिप विद हर फादर। तो ये जो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा जो है वो, अगर आप रिकॉल करें तो हमने बात की थी ग्रीक प्ले ऑरेस्टिया की, के जिसके पैटर्न के ऊपर मोरिंग कम्स इलेक्ट्रा को डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे जो एगामेमनन की बेटी है उसका नाम है इलेक्ट्रा, ठीक है। तो उसी के जो अप्रोच थी कि जो उसने रिवेंज लिया अपनी माँ को मार के अपने फादर की डेथ का, तो उसी की बेस पे इसको इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। लेवेनियम मेनन जो है सिमिलरली इलेक्ट्रा की तरह, उसका भी रिलेशनशिप अपनी माँ से अच्छा नहीं है, और क्रिस्टीन मेनन जो है वो प्ले के अंदर हमें ये बात खुद बताती भी है, दैट यू आर बॉर्न ऑफ डिसगस्ट, कि तुम उस वक्त पैदा हुई कि जब हमारा रिलेशन ख़राब हो चुका था, जब मुझे तुम्हारे बाप से नफरत हो चुकी थी, और अब चूंकि क्रिस्टीन जो है उसका रिलेशन एज़रा मेनन के साथ नहीं है, तो वो पूरी तवज्जो
ऑरिन को देती है। लिविनिया जो है उसको इग्नोर किया गया है, तो चूंकि लिविनिया हैज़ बीन इग्नोर्ड सो शी हैज़ नोवेयर एल्स टू गो बट टू सीक द लव ऑफ हर फादर। तो इस वजह से उसका फादर के साथ, अब ये एबनॉर्मल फैमिली है, ठीक है, एबनॉर्मल फैमिलीज जो होती हैं उसमें इस किस्म के सीन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, ठीक है। सो वो अपना पूरा लव, अपनी पूरी अटेंशन अपनी अपने फादर की जानिब जो है उसको मबजूल करती है। तो अब चूंकि बचपन से उसका आइडियल उसका वालिद है, तो इस वजह से जो उसके एज फेलोज हैं, जो एलिजिबल पीपल हैं, उनके वो मैरिज की प्रपोजल रिजेक्ट करती रहती है बार बार। जो है वो इसका प्रपोजल रिजेक्ट होता है पीटर नाइल्स का, इसके अलावा एडम को भी वो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं मैं तुमसे भी शादी नहीं करूँगी। तो उसकी जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि शी वॉन्ट्स टू स्टे विद एट होम विद हर फादर। और वो जो उसके अल्फाज हैं कि यू आर दी ओनली मैन आई विल एवर लव, आई एम गोइंग टू स्टे विद यू, ये इस उसकी इस मेंटल अप्रोच को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जब उसके वालिद की डेथ होती है, व्हेन ही इज मर्डर्ड, तो उसके बाद फिर नाउ शी हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट वुमन। अब वो अट्रैक्टिवली ड्रेस करती है एंड शी ट्राइज टू फ्लिट विद मैन, ठीक है। उसमें वो पीटर के साथ भी उसका रिलेशन आखिर में, जो उससे शादी करना चाहती है। उसके बाद जब वो आइलैंड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जो नेटिव्स हैं उसके साथ भी वो रिलेशन कायम करती है। कैप्टन जो सेकंड मेट होता है शिप का, जिस जहाज़ पे आइलैंड्स का सफ़र करते हैं, उसके साथ भी वो रिलेशन कायम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस मैन के साथ फिर वो फ्लिट करती है। आखिर में जो उसका सब कॉन्शियसनेस से जो अल्फाज निकलते हैं, शी कुड ओनली थिंक ऑफ अ मैन हु रिजेंबल्ड हर फादर एंड दैट मैन वॉज एडम ब्रांट। अब हालांकि वो पीटर नाइल से मिल रही थी, उसे शादी करने की रिक्वेस्ट कर रही थी एंड ही एग्रीड, लेकिन उसके मुंह से पीटर नाइल्स के अल्फाज नहीं निकल सके, रादर जो अल्फाज निकले उसके, टेक मी एडम। तो एडम चूंकि उसका फेस रिजेंबल करता था एज़रा मेनन के साथ, तो इस वजह से एडम का वर्ड अनकॉन्शियसली उसके दिमाग से मिला। तो अगेन इससे रिफ्लेक्ट यही होता है कि अभी तक उसके जहन में जो उसके वालिद का फेस है, जो उसके वालिद का इमेज है, या उसके अंदर जो डिज़ायर है टू बी विद हर फादर, वो अभी तक जो है वो मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि एज़रा मेनन की डेथ और क्रिस्टीन की डेथ को इट हैज़ बीन मोर देन 1 ईयर कि जब ये आखिरी जो एक्ट है वो पेश आता है, ठीक है। जो मेजर थीम्स हैं, मेजर थीम्स में नंबर 1 पे थीम ऑफ रिवेंज है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिवेंज जो है वो किस तरीके से चेन रिएक्शन की फॉर्म में रिवेंज है। इसके बाद ईडिपस कम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के थीम्स मौजूद हैं। इन्हीं थीम से रिलेटेड एक थीम है इंसेस्ट का। इंसेस्ट क्या होता है कि टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। तो वो इंसेस्ट का थीम ईडिपस इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। फिर उसके बाद द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द फेट के, जो आपकी मतलब किस्मत में लिखा होता है वो होना ही होना होता है ना, ठीक है। उसको आप अब वो अवर्ट करने की कोशिश करती है कि ऑरिन को मरने से बचाया जा सके, ठीक है, लेकिन शी इज़ अनएबल टू डू इट, और अल्टीमेटली ऑरिन की जो है वो डेथ होती है। इसी तरीके से जो आखिरी थीम है द प्रेजेंस ऑफ द डेथ अमंग द लिविंग, कि मौत जो है वो किसी न किसी सूरत में लिविंग पीपल के अंदर मौजूद है, कि जैसे हाउस का सिंबल इस हवाले से यूज़ किया गया, टोम के तौर पे रेफर किया गया ना। टोम क्या होता है, मकबरा होता है ना। तो क्रिस्टीन मेनन जो है वो फर्स्ट एक्ट में ही हाउस को रेफर करती है एज अ टोम, ठीक है। उसके बाद हमें डेथ का, ज़ाहिर है वार के हवाले से भी थीम जो है कि वो जंग पे गए हुए हैं। उसके बाद एडम हमें सॉरी ऑरिन बताता है कि इतनी दफ़ा डेथ देखी है कि अब तो डेथ जो है वो मीनिंगलेस हो चुकी है, ठीक है। लास्ट जो उस सीन है अगेन के, जिसमें लिविनिया जो है वो लिपटी हुई है पीटर नाइल्स के साथ, और उसके जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं टेक मी एडम, अब एडम जो है डेड है,
हाउएवर शी इज जो उसकी रूह है या उसकी जो याद है, इट इज़ अमंग द लिविंग, ठीक है, कि वो मौजूद है। और वहाँ पे लिविनिया कहती भी है कि द डेड आर अमंग द लिविंग, ना ठीक है। तो इस तरीके से द प्रेजेंस ऑफ द डेथ अमंग द लिविंग पीपल, वो ये जो थीम है ये भी डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रा, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, इसको हम कंक्लूड करते हैं।